सो हॅलो डिअर स्टुडंट्स वेलकम टू इम्पल्स बॅच मुलांना आजच्या फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीच्या पेपरमध्ये तुम्ही क्वेश्चन पॅलेटमध्ये एक एरर फेस केला आहे पहा पेपर मर्च करते वेळी एका टेक्निकल मिस्टेकमुळे हा क्वेश्चन पॅलेटचा एरर ऑकर झालेला आहे ज्यामध्ये तुम्ही एका पर्टिक्युलर क्वेश्चनवरती टिक करायचात क्लिक करायचात बट दुसराच क्वेश्चन काहीतरी समथिंग लाईक ग्रीन व्हायचं लाईक असा काहीतरी समथिंग तो एरर तर हा एरर आयडेंटिफाय झालेला आहे की कोणत्या रिझनमुळे झालेला आहे नेक्स्ट पेपरमध्ये हा एरर रिझॉल्व्ह करण्यात येईल आता राहिला प्रश्न आजच्या टेस्टचा तर याचे लवकरच अपडेट तुम्हाला युट्यूब चॅनेलवरती मिळतील मोस्ट प्रॉब्ली हा टेस्ट रिओपन केला जाईल रिझॉल्व करून एरर रिझॉल्व करून इश्यू रिझॉल्व्ह करून हा टेस्ट रिओपन केला जाईल हा टेस्ट तुम्ही उद्या पण देऊ शकता तर याचे लवकरच अपडेट तुम्हाला चॅनेलवरती मिळतील तसे तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मॅथमॅटिक्सचा कम्प्लीट पेपर डिस्कस करून देण्यात येईल या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला एक पीडीएफ मिळेल ज्यामध्ये आजचा मॅथमॅटिक्सचा पेपर होता त्यामध्ये तुम्ही शोधा की कोणता क्वेश्चन बेसिकली तुम्हाला नव्हता आलेला आणि तो पर्टिक्युलर क्वेश्चन व्हिडिओमध्ये पी डी एफच्या सिक्वेन्समध्ये कम्प्लीट तो व्हिडिओ बनवलेला आहे तर तुम्हाला फाईंड करणे पण एकदम सोपं बनेल व्हिडिओमध्ये तो पर्टिक्युलर क्वेश्चन तर एकदा पाहून घ्या जे काही मिस्टेक्स आहेत ते रिझॉल्व्ह करून घ्या सो सेशन मी जस्ट माझं सेशन जस्ट मी आता इथे एंड करतो आहे आता इथे पुढे मॅथमॅटिक्सचा डाऊट पेपर डिस्कशन स्टार्ट होतो ओके क्वेश्चन नंबर वन एरिया बिटवीन द पैराबोलाज वाई स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू वाई इज ओके वाई स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू वाई इन दो पैराबोला के बीच का एरिया हमें फाइंड करना है ठीक है तो देखो ये है वाई स्क्वेयर इक्वल टू पी एक्स एंड दिस इज एक्स स्क्वार टू क्यूवाई राइट ओके okay, कैसे पता चलता है आपको कि पैराबोला का सेप कौन सा है कौन से का कौन सा सेप बनेगा देखो वाई स्क्वेयर इक्वल टू पी एक्स है यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है इसलिए ये पैराबोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड खुलेगा मतलब सेब कुछ इस टाइप का होगा अगर यहाँ पे वाई स्क्वयर इक्वल टू माइनस पी एक्स होता तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड खुलता राइट ओके एक्स स्क्वेयर इक्वल टू क्यू वाई में वाई पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव वाई एक्सिस की साइड खुल रहा है अगर यहाँ पे माइनस क्यू वाई होता तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस की साइड खुलता ठीक है मतलब ये ट्रिक है कि पैराबोला का सेप क्या होगा ये याद करने की ट्रिक है ओके तो अपने केस में वाई स्क्र इक्वल टू पी एक्स इस टाइप इस टाइप का है एक्स इक्वल टू क्यूवाई इस टाइप का अभी इन दोनों के बीच का जो एरिया है ये वाला ये एरिया में फाइंड करना ओके तो इसके लिए ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए अच्छा ये तो ओरिजिन है जीरो जीरो ये पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ेगा ताकि हमें ये पता चले कि इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है ठीक है इंटीग्रेशन क्या देता है एरिया अंडर द कर्व तो पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स में एक्स का जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करके यहां से जो एक्स स्क्वल टू क्यू वाई में एक्स का फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन माइनस करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा राइट सो so, पहले ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करते हैं ताकि हमें पता रहेगा कि इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है ओके एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू वाई एंड इक्वल टू पी एक्स इसको दोनों साइड स्क्वायर करेंगे एक्स पावर फोर इक्वल टू क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर राइट इसको मैं इक्वेशन वन कंसिडर कर लेता हूं दिस इज इक्वेशन टू सो फ्रॉम वन एंड टू वाई स्क्वायर का वैल्यू अगर यहां पे पुट करेंगे तो ये बनेगा एक्स पावर फोर इक्वल टू क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह पीएक्स ठीक है ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो एक्स पावर फोर माइनस पी क्यू स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो ओके एक्स कॉमन ले सकते हैं तो एक्स क्यूब माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो यानी कि या तो एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स क्यूब इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर राइट तो एक्स इक्वल टू जीरो तो हमें क्लियरली दिख रहा है ऑब्वियसली दो पॉइंट आएंगे क्योंकि ये दोनों दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक तो जीरो जीरो मिल रहा है दूसरा पॉइंट कौन सा मिलेगा एक्स इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर पावर वन बाई थ्री हमें यही पॉइंट चाहिए था ओके इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है एक्स इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर वन बाई थ्री ठीक है अभी इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक जीरो से पी क्यू स्क्वायर पावर वन बाई थ्री तक एंड ऊपर वाला कार कौन सा है वाई स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स तो यहां से वाई का वैल्यू आएगा अंडर रुट पीएक्स माइनस यहां से वाई का वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन क्यू ओके okay, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं क्योंकि लिमिट भी यहाँ पे यहाँ पे एक्स का ही लगाया हमने ओके okay, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा रूट पी बाहर ले सकता हूँ रूट एक्स का होगा ओके एक्स पावर वन बाई टू एक्स पावर वन बाई टू का एक्स पावर वन बाई टू प्लस वन अपॉन वन बाई टू प्लस वन यानी कि डिनोमिनेटर में थ्री बाय टू तो इसको लिख सकता हूँ टू बाई थ्री एक्स पावर थ्री बाई टू ओके डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या एक्स पावर एन से माइनस वन क्यू एज इट इज एंड एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री ठीक है, ओके जीरो टू पी क्यू स्क्वायर पावर वन बाई थ्री ठीक है अपर लिमिट पुट करेंगे एक्स की जगह पहले पी क्यू स्क्वायर पावर वन बाई थ्री तो रूट पी एज इज टू बाई थ्री एज इज एक्स की जगह पी क्यू स्क्वायर पावर वन बाई थ्री पी क्यू स्क्वायर पावर वन बाई थ्री और ये पावर थ्री बाई टू है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी थ्री बाई टू माइनस वन बाई क्यू x, ओके okay. थ्री भी बार ले लेते कांस्टेंट है क्योंकि लिमिट तो x पे लगेगी x की जगह पी क्यू स्क्वायर पावर वन बाई थ्री यहां पे ये x है, तो 3 से थ्री कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहां पे सिर्फ पी क्यू स्क्वायर बचेगा, ओके मतलब यहां पे पावर में वन बाई थ्री इंटू थ्री करूंगा तो थ्री से थ्री वैसे भी कैंसिल हो रहा राइट right? ओके okay, ये थ्री से थ्री कैंसिल हो गया तो इधर बचा रूट पी क्यू ओके पावर में वन बाई टू है तो रूट पी क्यू रूट पी इंटू रूट पी 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 क्यू टू बाई थ्री टू बाई थ्री पी क्यू माइनस क्यू से ए क्यू कैंसिल हो गया तो इधर बचा पी क्यू पी क्यू अपॉन थ्री पी क्यू अपॉन थ्री ओके टू बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री कितना वन बाई थ्री वन बाई थ्री पी क्यूके सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ओके क्वेश्चन नंबर टू इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स ओके okay, प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इन तीन पॉइंट से पास होता है ओके okay, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट इन जनरल क्या होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट सपोज वो पॉइंट है एक्स वन वाई वन जेड वन x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3 ओके तो प्लेन का इक्वेशन क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन एंड एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन एंड जेड थ्री माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो राइट right? तो देखो ये कार्टेजन इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स का ये कार्टेजन फॉर्म है और ऑप्शन देख के लग रहा है कि हमें कार्टेजन इक्वेशन ही चाहिए इसलिए मैंने ये बताया अदरवाइज इसका वेक्टर फॉर्म भी होता है ठीक है अगर वैसा क्वेश्चन होता तो उस बारे में बात करते लेकिन ये कार्टेजन फॉर्म है इसलिए कार्टेजन फॉर्म में बात करते तो अब ये जो थ्री पॉइंट्स है ना इसमें से किसी को भी एक्सन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री कंसिडर कर सकते हैं ओके आंसर सेम ही आएगा तो मैं फर्स्ट हुआ एक्सन वाई वन जेड वन सेकेंड को एक्स टू वाई टू जेड टू एंड थर्ड को एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री कंसिडर करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ अकॉर्डिंगली तो एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन एंड जेड माइनस जेड वन तो यहाँ पे जेड वन माइनस वन है तो ये प्लस वन हो जाएगा ठीक है ओके एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन एंड जेड टू माइनस जेड वन तो ये टू प्लस वन हो जाएगा ठीक एंड एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन एंड जेड थ्री माइनस जेड वन तो ये सिक्स माइनस माइनस वन यानी कि सिक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो राइट राइट सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ये वन राय एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड प्लस वन एंड दिस इज वन ओके ये सेवन माइनस टू है तो इधर फाइव टू माइनस टू थ्री एंड सेवन इक्वल टू जीरो ठीक है ओके बस डिटर्मिनेंट को ओपन करना है आंसर आ जाएगा एक्स माइनस टू सेवन इंटू टू फोर्टीन प्लस सिक्स माइनस वाई माइनस टू सेवन माइनस फिफ्टीन प्लस जेड प्लस वन माइनस टू माइनस टेन ओके इसको माइनस ट्वेल्व डायरेक्ट लिख रहा हूँ ठीक है अच्छा इक्वल टू जीरो ओके ये इक्वल टू जीरो राइट राइट सो सिम्प्लीफाई करते क्या बन रहा है एक्स माइनस एक्स माइनस टू ट्वेंटी माइनस वाई माइनस टू सेवन माइनस फिफ्टीन होगा माइनस एट प्लस जेड प्लस वन माइनस ट्वेल्व एज इट इज इक्वल टू जीरो ओके ओके यहाँ पे ये 20 है इधर माइनस एट है इधर माइनस ट्वेल्व है तो फोर से डिवाइड हो रहा है ना इसको फोर से डिवाइड करेंगे तो ये फाइव बचेगा फाइव एक्स माइनस टू फाइव से ये डिवाइड होगा तो टू माइनस टू बचेगा जो कि ये प्लस टू हो जाएगा प्लस टू वाई माइनस टू और इधर ये फोर से डिवाइड होगा तो माइनस फोर माइनस थ्री माइनस थ्री जेड प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो ठीक है इसको सिंप्लीफाई करते तो ये बनेगा फाइव एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड एंड ओके और भी कुछ कांस्टेंट बनेगा लेकिन आप ऑप्शन देखिए इसको यहीं पे फिनिश कर सकते हो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट क्योंकि फाइव एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड सिर्फ ऑप्शन सी में ही है सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ओके एम टाइप का है इसलिए डायरेक्ट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं ओके क्वेश्चन नंबर थ्री इफ द कॉइन इज टॉस्ट एन टाइम्स देन प्रोबेबिलिटी दैट हेड विल अपियर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स इज यानी कि किसी हेड को अगर एन टाइम्स टॉस करे तो उनके ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है ओके सपोज एक्स इज नंबर ऑफ हेड्स इन एन ट्रायल्स ओके पी कंसिडर कर सकते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन वन ट्रायल विच इज इक्वल टू वन बाई टू अगर एक टाइम कॉइन को, को टॉस करें तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है वन बाई टू सो क्यू क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट गेटिंग हेड यानी कि वन बाई टू ठीक है अच्छा पी एक्स इक्वल टू आर क्या होता है एन सी आर पी रेज टू आर क्यू रेज टू एन माइनस आर राइट सो अपना रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू वन प्लस पी एक्स इक्वल टू थ्री प्लस पी एक्स इक्वल टू फाइव प्लस पी एक्स इक्वल टू सेवन ऐसे चलता रहेगा क्योंकि x हमने किसको कंसिडर किया नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ हेड्स ऑड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्ल टू वन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्ल टू थ्री प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू फाइव ऐसे ठीक है ओके अगर यहाँ पे r की जगह वन थ्री फाइव सेवन पुट करके एड करेंगे तो ये क्या बनेगा एन सी वन वन बाई टू रेस टू वन वन बाई टू रेस टू एन माइनस वन प्लस एन सी थ्री वन बाई टू रेस टू थ्री वन बाई टू रेस टू एन माइनस थ्री प्लस एन सी फाइव वन बाई टू रेस टू फाइव वन बाई टू रेस टू एन माइनस फाइव ओके ऐसे चलता रहेगा ये ठीक है देखो फर्स्ट में ये वन बाई टू रेस टू वन है और इधर वन बाई टू रेस टू एन माइनस वन है मतलब इधर प्लस वन और इधर माइनस वन तो बेस सेम है इसलिए पावर एड हो जाएगी मतलब ये वन बाई टू रेस टू एन बनेगा ओके सेम यहाँ पे भी यहाँ पे प्लस थ्री और इधर एन माइनस थ्री अगर दोनों को एड करेंगे तो एन बचेगा क्योंकि बेस सेम है, पावर एड हो जाएगी और ये सब जगह रहेगा मतलब अंदर ये वन अपॉन टू रेस टू एन बन रहा ठीक है अगर वन अपॉन टू रेस टू एन कॉमन लूंगा तो अंदर बनेगा एन सी वन प्लस एन सी थ्री प्लस एनसी फाइव प्लस एनसी सेवन राइट सो वन अपॉन टू रेस टू एन अगर कॉमन लेंगे तो अंदर बनेगा एनसी वन प्लस एन सी थ्री प्लस एन सी फाइव प्लस एन सी सेवन डॉट डॉट डोट ओके दिस इज वन अपॉन टू रेस टू एन बिकॉज एनीथिंग पावर वन इज वन सो ये सिर्फ डिनोमिनेटर में पावर जाएगी एंड इसका वैल्यू होता है टू रेस टू एन माइनस वन ठीक है वन अपॉन टू रेस टू एन टू रेस टू एन माइनस वन को लिख सकते हैं टू रेस टू एन डॉट टू रेस टू माइनस वन क्योंकि अगर बेस सेम होती है पावर एड होती है तो पावर ऑलरेडी अगर एड है तो उनको बेस बेसम करके अलग अलग कर सकते हैं सो टू रेज टू से टू रेस्ट टू एन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या टू रेस टू माइनस वन टू रेस्ट टू माइनस वन इज वन बाई टू ओके सो वन बाई टू इज आंसर यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट ओके क्वेश्चन नंबर फोर एफ एल्फा इक्वल टू दिस मैट्रिक्स वेर एल्फा बिलोंग्स टू आर देन एफ एल्फा इनवर्स इज यानी कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स हमें फाइंड करना ठीक है तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स होता है सपोज एफ इनवर्स इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट एफ इन टू एडजेंट एफ राइट सो पहले डिटर्मिनेंट एफ फाइंड करते हैं कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो 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 वन ओके okay, अगर इसको सोल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट एफ आएगा कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस माइनस साइन स्क्वायर एल्फा यानी कि प्लस साइन स्क्वायर एल्फा विच इज इक्वल टू वन ओके सो एफ इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन वन इंटू एडज एफ यानी कि एडजोइ एफ के इक्वल एफ इनवर्स हो जाएगा मतलब जो भी एडज्इट एफ होगा वो एफ इनवर्स के इक्वल हो जाएगा राइट सो एडजट एफ फाइंड करने के लिए पहले एफ को को फैक्टर के फॉर्म में डिनोट करते हैं तो एब किसके कैलेंट होगा को के फॉर्म में ओके को में साइन चेंज होते मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट तो ये हम पहले ही लगा देते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, -माँगस, प्लस -माँगस। ठीक है ओके फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम के अलोंग को फैक्टर होगा कोस अल्फा फर्स्ट और सेकेंड कॉलम के अलोंग साइन अल्फा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या अलोंग जीरो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या अलोंग कॉस अल्फा नहीं नहीं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या अलोंग सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या अलोंग माइनस अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा है तो माइनस ऑलरेडी बार पड़ा है इसलिए प्लस साइन अल्फा हो जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कॉस अल्फा सेकेंड रो थर्ड कॉलम जीरो जीरो यानी कि जीरो ओके थर्ड रो फर्स्ट कॉलम दिस इज जीरो सेकेंड रो थर्ड रो सेकेंड कॉलम अगेन जीरो थर्ड रो थर्ड कॉलम कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा विच इज वन ओके अच्छा एफ एल्फा को फैक्टर के फॉर्म में किसके इक्विवेलेंट आ गई इसको थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिखते हैं देखो प्लस जीरो माइनस जीरो का मतलब जीरो यानी कि कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फ़ा जीरो एंड जीरो जीरो वन ओके अभी इसका ट्रांसपोज भी लेना पड़ेगा तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज का मतलब क्या है रो को कॉलम बना देंगे कॉलम को रो बना देंगे तो ये एडजोइंट एप बन जाएगा एड ज्वाइंट एप किसके इक्वल आ जाएगा अल्फा माइनस साइन अल्फा जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना रहे ओके साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो एंड जीरो जीरो वन ओके okay, और जो एडजोइंट एफ है वही अपना एफ इनवर्स होगा क्योंकि वन अपॉन डिटर्मिनेंट एफ क्या हो जाएगा वन हो जाएगा सो दिस इज एफ इनवर्स अच्छा अगर मैट्रिक्स को हम नोटिस करें तो यहां पे जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स है उसमें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में साइन एल्फा है इधर माइनस साइन एल्फा है और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में माइनस और इधर साइन माइनस साइन और इधर साइन एल्फा तो यहां पे अगर अल्फा की जगह माइनस अल्फा पुट करेंगे तो कॉस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन साइन में माइनस बार आ जाएगा बिकॉज साइन माइनस थीटा इक्वल टू तो माइनस साइन थीटा एंड कॉस माइनस थीटा इक्वल टू तो कॉस थीटा कॉस में माइनस बार नहीं आता है इसलिए ये क्या बन जाएगा एफ इनवर्स हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एल्फा यानी कि एफ अल्फा इनवर्स इक्वल टू दिस ओके यहां पे अल्फा मैंने लिखा नहीं क्योंकि जरूरत नहीं थी एफ एल्फा इनवर्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एल्फा यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर फाइव डिफरेंस ऑफ स्लोप ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन इज ओके इस इक्वेशन को जो पेयर ऑफ स्टेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है उनके स्लोप का डिफरेंस हमें फाइंड करना है ठीक है तो इन जनरल ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्टेट लाइन का इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो और इसमें एम वन प्लस एम टू यानी कि जो पेयर ऑफ स्टील लाइन इसको रिप्रेजेंट करती है उनके स्लोप का सम होता है माइनस टू एच अपॉन बी एंड एम वन एम टू इक्वल टू होता है ए अपॉन बी राइट सो हमें फाइंड करना है एम वन माइनस एम टू स्लोप का डिफरेंस ठीक है तो एम वन माइनस एम टू होल स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज एम वन प्लस एम टू होल स्क्वायर माइनस फोर एम वन एम टू राइट अगर इसको सोल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर बनेगा ओके सो एम वन माइनस एम टू इन जनरल क्या होता है वो हम पहले फाइंड कर लेते हैं एम वन माइनस एम टू होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम वन प्लस एम टू होल स्क्वायर यानी कि माइनस टू अपॉन बी होल स्क्वायर माइनस फोर एम वन एम टू मीन्स ए अपॉन बी ओके सिंप्लीफाई करेंगे तो फोर एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस फोर ए अपॉन बी राइट डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे मैं बी से मल्टीप्लाई एंड बी से डिवाइड कर रहा हूँ तो जो डिवीजन में जाएगा उससे बी स्क्वायर बन जाएगा ये यानी कि ये बनेगा फोर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी राइट ये किसके इक्वल है एम वन माइनस एम टू होल स्क्वायर की इक्वल है तो यहां से एम वन माइनस एम टू मिलेगा हमें टू अपॉन बी अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी ओके प्लस माइनस आएगा लेकिन हम प्लस ले रहे हैं क्योंकि हमें डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगा रहा सिर्फ प्लस ले रहा हूँ ओके okay, अगर इस इक्वेशन के साथ जो अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन है ओरिजिन से पास होने वाली पेरोपी स्टेट लाइन का उससे अगर क्वेश्चन में जो इक्वेशन है उससे कंपेयर करें तो यहाँ से ए का वैल्यू आएगा सी की स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर टीटा एच का वैल्यू होगा माइनस टेन थीटा एंड बी का वैल्यू होगा साइन स्क्वायर थीटा अगर इसमें पुट करेंगे तो एम वन माइनस एम टू क्या बन के आएगा टू ओपन बी अंडर रूट एच स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर माइनस ए इंटू बी यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ओके ओके टू अपन साइन स्क्वायर थीटा देखो ये टेन स्क्वायर है मतलब साइन स्क्वायर टीटा अपॉन कॉस स्क्वायर इधर ये साइन स्क्वायर तो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं और वो रूट के बाहर आएगा तो साइन थीटा बचेगा तो रूट के अंदर क्या बचा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रेकिट ओपन करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर टीटा से शेक स्क्वायर टीटा कैंसिल सिर्फ साइन स्क्वायर टीटा रूट के अंदर तो रूट के बाहर आएगा तो साइन थीटा ये साइन थीटा ऑलरेडी बार बढ़ा पड़ा है तो न्यूमरेटर बनेगा साइन स्क्वायर टीटा वो इससे कैंसिल हो जाएगा मतलब बचेगा टू अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ये साइन थीटा इज एजीटी और वो साइन थीटा बार आएगा तो साइन थीटा ओके सो ये साइन स्क्वायर थीटा इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या सिर्फ टू यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट ओके ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स इफ जेड इक्वल टू आर थीटा प्लस आयोटा साइन द वैल्यू ऑफ जेड अपॉन जेड बार प्लस जेड बार अपॉन जेड इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है ठीक है ओके okay, जेड क्या गिवन है आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ओके इसका मतलब जेड को ऐसे भी लिख सकते हैं आर ई रेस टू आयोटा थीटा ओके जेड बार की भी बात हो रही है जेड बार क्या कॉन्जुगेट ऑफ जेड यानी कि आर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा यानी कि जेड बार को क्या लिख सकते हैं आर ई रेस्टू माइनस आयोटा थिट्टा ठीक है हमें किसका वैल्यू फाइंड करना हमें वैल्यू फाइंड करना है जेड अपॉन जेड बार प्लस जेड बार अपॉन जेड राइट अगर जेड की जगह में आर ई रेस्टू आयोटा थिट्टा जेड बार की जगह आर ई रेस्टू माइनस आयोटा थीटा पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा ये कुछ इस टाइप का बनेगा ठीक है तो यहां से भी आर से आर कैंसिल और इधर से भी आर से आर कैंसिल ओके सो तो ये ऊपर जाएगा तो ई रेस टू टू आयोटा थीटा क्योंकि पड़ा है तो बेस सेम दोनों का पावर एड हो जाएगा यानी कि ई रेस टू टू आयोटा थीटा और ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा एक ऊपर ऑलरेडी माइनस का पड़ा है तो ये बन जाएगा ई रेस टू माइनस टू आयोटा थीटा ठीक है अब अभी वापस से अगर इस तरह से इसको पुट करेंगे तो इसमें आर है नहीं ई रेस टू टू आयोटा तिट्टा की जगह हम पुट कर सकते हैं कॉस टू थिट्टा प्लस आयोटा साइन टू थिट्टा प्लस ई रेस टू माइनस टू आयोटा थिट्टा की जगह पुट करेंगे कॉस टू थिट्टा माइनस आयोटा साइन टू थिट्टा एक्चुअल में ये माइनस थिट्टा के साथ होता है बट इधर साइन है इसलिए साइन के बाद साइन uh, में माइनस बार आ जाता है इसलिए ये बार आ गया ओके माइनस आयोटा साइन टू थीटा प्लस आयोटा साइन टू थीटा कैंसिल तो क्या बचा टू कॉस टू थीटा यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट ओके ओके क्वेश्चन नंबर सेवन द इक्वेशन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजन द टू लाइन्स आर ओके okay, इस लाइन को रिप्रेजेंट करने वाली जो पेरोपिस्टेड लाइन है उनका नेचर क्या है क्या वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट किस कंडीशन पे रियल एंड कॉन्सिडेंट किस कंडीशन पे ठीक है तो इन जनरल पेरोपिस्टेड लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बीवाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो इसमें जब एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होता है तब लाइन्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होती है राइट एंड एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है तब लाइंस रियल तो होती है बट कॉन्सिडेंट। ओके सो इसमें अगर मैं इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को अपनी इक्वेशन से कंपेयर करूं तो यहां से ए e का वैल्यू आ रहा B है थ्री बी का वैल्यू भी थ्री एच की जगह एच यानी कि एच स्क्वायर ग्रेटर देन थ्री इंटू थ्री होगा तब लाइन रियल एंड डिस्टिंक्ट होगी

सपोज ये एक लेडर है जो जिसका एक एंड ग्राउंड पे, और पे. है और दूसरा एंड वर्टिकल वॉल पे है मान लेते हैं ये वाई एक्सिस है एंड ये एक्स एक्सिस है ओके ये वर्टिकल वॉल और एक्स एक्सिस ग्राउंड तो इस तरह से ये लेडर इंक्लाइनड है ठीक है द लोअर एंड स्लिप्स अलोंग द ग्राउंड लोअर एंड स्लिप्स अलोंग द ग्राउंड इफ द लोअर एंड ऑफ द लेडर इज सिक्सटीन फीट अवे फ्रॉम द वॉल अपर एंड इज मूविंग लेमडा टाइम्स एज फास्ट इज लोअर एंड देन वॉट इज लेमडा मतलब जब लोअर एंड सिक्सटीन फीट अवे है वॉल से उस टाइम अपर एंड लोअर एंड से लेमडा टाइम फास्ट मूव कर रहा है तो लेमडा की वैल्यू क्या है? मतलब अपर एंड लोअर एंड से कितना फास्ट मूव कर रहा है ये हमें फाइंड करना है ठीक तो इन जनरल किसी टाइम टी पे अभी 16 फीट की बात नहीं कर करें किसी टाइम टी पे वॉल से लोअर एंड एक्स डिस्टेंस पे एंड अपर एंड ग्राउंड से वाई डिस्टेंस पे ओके किसी टाइम टी पे ठीक है अभी हमें फाइंड करना है कि जब एक्स 16 फीट है उस टाइम इनके रेट में क्या रेट में क्या रिलेशन है मतलब क्वेश्चन ने लेमड़ा टाइम्स दिया है तो लेमड़ा की हमें वैल्यू फाइंड करनी लेडर का लेंथ कितना है ट्वेंटी फीट राइट तो यहां से एक्स वाई एंड एक्स एंड वाई में क्या रिलेशन आएगा पाइथागोरस से एक्स स्क् प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर हंड्रेड ठीक है अच्छा इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं टी के रेस्पेक्ट में क्योंकि यहां पे रेट की बात हो रही है मतलब डी वाई बाई डी टी एंड डी टी की बात हो रही है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी ये बनेगा टू एक्स डी एक्स अपॉन डी टी प्लस टू वाई डीवाई अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो ओके सो यहां से डीवाई बाई डी टी क्या आएगा टू टू कॉमन लेके जीरो में बेच सकते हैं यह बनेगा माइनस एक्स डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन वाई ओके dy/dt यानी कि अपर एंड किस रेट से मूव कर रहा है वो हमें फाइंड करना है लेकिन उसके लिए dx/dt x एंड y ये भी पता होना चाहिए तो x का वैल्यू तो 16 फीट गिवन है लेकिन y का वैल्यू हमें पता नहीं तो y का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे इस रिलेशन से पाइथागोरस से जब x 16 फीट है उस टाइम y कितना जब x 16 फीट है उस टाइम y कितना ये हम इस पाइथागोरस से फाइंड करेंगे सो so y2 फोर हंड्रेड माइनस सिक्सटीन स्क्वायर सिक्सटीन स्क्वायर इज टू फिफ्टी सिक्स सो वाई स्क्वायर इक्वल टू वन फोर्टी फोर यानी कि वाई इक्वल टू ट्वेल्व ठीक है यानी कि जब एक्स इक्वल टू सिक्सटीन है उस टाइम वाई इक्वल टू ट्वेल्व है तो यहाँ पे 16 एंड ट्वेल्व अच्छा एक और रिलेशन क्वेश्चन में गिवन है अपर एंड इज मूविंग लेमडा टाइम्स एज फास्ट एज लोअर एंड यानी कि अपर एंड यानी कि डी वाई बाई डी टी इज मूविंग लेमडा टाइम्स एज फास्ट एज लोअर एंड यानी कि डी एक्स बाई डी टी राइट सो डी वाई बाई डी टी की जगह क्या पुट कर सकते हैं लेमडा डीएक्स अपन डी टी ये वैल्यू एंड ये वैल्यू रिलेशन वन में पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा लेमडा टाइम्स डीएक्स बाई डी टी इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई यानी कि सिक्सटीन अपॉन ट्वेल्व डीएक्स अपन डी टी राइट सो डीएक्स अपन डी टी से डीएक्स अपन डी टी कैंसिल हो गया यहाँ से लेमडा क्या मिलेगा माइनस फोर अपॉन थ्री ओके ये माइनस डिनोट कर रहा है कि uh, जो अपर एंड मूव कर रहा है वो डिक्रीज हो, मतलब हो, हो रहा है मतलब अपर एंड यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है नीचे की ओर मूव कर रहा है यहाँ पे डी एक्स अपॉइट डी टी इंक्रीज हो रहा है डीवाई बाई डी टी डिक्रीज हो रहा है इसलिए ये माइनस आया बट लेमडा की वैल्यू क्या होगा फोर अपॉइंट थ्री यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट ओके क्वेश्चन नंबर नाइन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व वाई पावर फोर इक्वल टू ए एक्स इट ए कोमा ए इज यानी कि इस कर्व के ए मैं ए पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है तो नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक पॉइंट और स्लोप चाहिए रहता है पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है लेकिन स्लोप नहीं है तो स्लोप कैसे फाइंड करें टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा तो नॉर्मल का स्लोप भी आ जाएगा और टेंजेंट का स्लोप क्या होता है डीवाई बाई डी एक्स यानि कि वाई पावर फोर इक्वल टू ए एक्स क्यूब से डीवाई बाई डी एक्स फाइंड करना है उससे नॉर्मल का स्लोप आएगा और नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा तो नॉर्मल के स्लोप एन पॉइंट से नॉर्मल का इक्वेशन भी आ जाएगा ठीक है सो so, इसको x के रेस्पेक्ट में अगर दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा फोर वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए थ्री एक्स स्क्वायर राइट यहाँ से डीवाई बाई डी एक्स आएगा थ्री ए एक्स स्क्वायर अपॉन फोर वाई क्यूब सो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें किस पॉइंट पे चाहिए डीवाई बाई डी एक्स एट पॉइंट ए कोमा ए इज एक्स की जगह ए y की जगह a तो ये बनेगा थ्री अपॉइंट फोर ओके दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए कमाए सो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स यानी कि माइनस फोर अपॉन थ्री ओके नॉर्मल का स्लोप आ गया पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है तो इक्वेशन आ जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन ओके एक्स वन वाई वन है ए को m एम है माइनस फोर अपॉन थ्री सो अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा वाई माइनस ए इक्वल टू माइनस फोर अपॉन थ्री एक्स माइनस ए ठीक है सिंप्लीफाई करने पे थ्री वाई माइनस थ्री ए इक्वल टू माइनस फोर एक्स प्लस फोर ए यानी कि फोर एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू माइनस थ्री उधर जाएगा तो सेवन ए ठीक है एक्स का हैंड साइड लेके आया राइट हैंड साइड भेजा तो नॉर्मल का इक्वेशन मिला ये वाला यानी कि ऑप्शन टू टू एट एक्स इक्वल टू देन फाइंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो सो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो का मतलब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ये तीनों इक्वल होनी चाहिए ठीक है तो इस एफ एक्स फंक्शन को मैं वापस से इसको डिफाइन कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर मॉड फंक्शन है तो मॉड फंक्शन कैसे खुलता है देखो मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होगा जब एक्स लेस देन जीरो मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होगा जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है यानी कि पॉजिटिव वैल्यू के लिए मॉड प्लस एक्स से खुलेगा नेगेटिव वैल्यू के लिए मॉड माइनस एक्स से खुलेगा सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे अगर x लेस देन जीरो की बात करें तो लेस देन जीरो के लिए यहाँ पे मॉड माइनस एक्स से खुलेगा यानी कि ये बनेगा x माइनस माइनस एक्स अपॉन एक्स राइट यानी कि टू एक्स अपॉन एक्स यानी कि टू ठीक है एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ये प्लस से खुलेगा यानी कि ये बनेगा एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्सरोक्स इक्वल टू जीरो सो लिमिट अप्लाई किए बगैर हमें पता चल रहा है कि यहां पे राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट मैच नहीं हो रही यानी कि x ग्रेटर देन जीरो के लिए वैल्यू आ रही है एंड लेस देन जीरो के लिए वैल्यू है टू सो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है इसलिए इसका आंसर है डी ठीक है मीन लिमिट x tends to 0 minus fx is not equal to limit x tends to टू plus fx. एफ एक्स ओके सोल्व करने की जरूरत नहीं क्लियरली हमें फंक्शन में ही दिख रहा है सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ओके क्वेश्चन नंबर इलेवन द लॉजिकल expression दिस एक्सप्रेशन is इक्वलेंट टू ठीक है इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करना और देखना कि ये किसके इक्वलेंट है ओके okay, एक्सप्रेशन है पी एंड Q और R और नॉट P एंड Q और नॉट P एंड R ठीक है तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन को मैं एजेट इज लिख रहा हूं Q और R और देखो यहां पे आपको नॉट P एंड नॉट P एंड दिख रहा है तो नॉट P एंड को कॉमन ले सकते हैं Not be end, अगर कॉमन आया तो अंदर क्या बचेगा Q और R Q और R ठीक है ऐसे ले सकते कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप इसको वापस एक्सपेंड करोगे तो यही बनेगा नॉट पी एंड Q और नॉट पी एंड R ठीक है ओके okay. इधर एंड Q और R एंड Q और R तो एंड Q आर R एंड Q और R दोनों में से कॉमन आ जाएगा यानी कि एंड Q और R अगर कॉमन आया तो इधर क्या बचेगा P और नॉट P, P और नॉट P, राइट right? सो so, P और नॉट P क्या होता ट्रू P और नॉट P ऑलवेज ट्रू एंड Q और R, ठीक है ओके okay, यहां पे मैं आपको बता देता तो ये कैसे हुआ P और नॉट P इज ऑलवेज इक्वेल एंड टू T, ठीक है एंड T एंड P मतलब अगर कोई P स्टेटमेंट है उसका T के साथ एंड करेंगे तो वो P आएगा यानी कि T एंड Q और R होगा Q और R राइट सो ऑप्शन D इज करेक्ट ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इफ P और Q इज ट्रू बट P और Q इंप्लाइज Q इज फॉल्स देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q आर रेस्पेक्टिवली यानी कि P एंड Q की कौन सी ट्रूथ वैल्यू के लिए P और Q ट्रू हो जाएगा एंड P और Q इंप्लाइज Q फॉल्स हो जाएगा ठीक है तो पहले इसकी बात करते हैं पी और क्यू इंप्लाइज क्यू देखो पी इंप्लाइज क्यू का टेबल क्या होता है ट्रूथ टेबल सपोज ये पी स्टेटमेंट है ये क्यू स्टेटमेंट है तो पी इंप्लाइज क्यू का ट्रूथ टेबल कुछ इस टाइप का था टी 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 एफ एफ टी एफ एफ ओके ये एक ही केस में फॉल्स होता है जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू एंड सेकेंड फॉल्स होता है बाकी सब केस में ये ट्रू होगा ठीक है सो so, अगर ये फॉल्स है मतलब ये इंप्लीकेशन फॉल्स है इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें ट्रू है यानी कि P और Q इसमें ट्रू है एंड Q फॉल्स है ये पूरा स्टेटमेंट तो ट्रू है लेकिन इसमें Q फॉल्स है राइट सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स फर्स्ट वाला ट्रू तो इस तरह से इसमें Q फॉल्स है ओके okay, अभी सेकेंड की बात करते हैं पी और क्यू तो पी और क्यू का टेबल ट्रूथ टेबल कुछ इस टाइप का होगा टी टी एफ एफ टी एंड एफ एफ ओके और है ना इसका मतलब अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स है अदरवाइज ये सारे ट्रू हो जाएंगे ठीक इस है इसमें क्यू फॉल्स है एंड पी ओके किसकी बात हो रही है पी और क्यू की पी और क्यू ठीक है पी और क्यू ट्रू है पी और क्यू ट्रू है बट इसमें क्यू फॉल्स है अगर क्यू फॉल्स है इन पी ओके okay, और क्यू ट्रू है क्यू फॉल्स है तो पी को भी ट्रू होना पड़ेगा यानी कि पी ट्रू होगा तभी ये पॉसिबल होगा कि पी और क्यू ट्रू है यानी कि पी ट्रू क्यू फॉल्स अगर ये कॉम्बिनेशन होगा तो पी और क्यू ट्रू होगा एंड पी और क्यू इंप्लाइज क्यू फॉल्स होगा ओके सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओके क्वेश्चन नंबर थर्टीन इफ लॉग ऑफ बेस एन लॉग ऑफ बेस्ट लॉग ऑफ बेस एन एक्स इक्वल टू जीरो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स ठीक है सॉल्व करते हैं लॉग 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 अगेन अगेन सबका बेस टेन है एंड देन एक्स इक्वल टू जीरो अगर एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग बेस टेन उधर जाएगा तो ये टेन डेज टू जीरो बनेगा और इधर क्या बनेगा लॉग लॉग एक्स लॉग लॉग एक्स दोनों का ही बेस कितना है टेन टेन ठीक है ओके okay, इसका वैल्यू कितना है वन टेन डेज टू जीरो मतलब वन ओके अगेन एंटी लॉग लेंगे तो ये बनेगा लॉग बेस टेन एक्स इक्वल टू टेन डे टू वन एंटी लॉग लेंगे तो जो बेस होता है वो राइट हैंड साइड जाता है और जो भी राइट हैंड साइड होता है वो पावर में चला जाता है सो so, ये बनेगा टेन देन अगेन एंटी लॉग लेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या होगा टेन डेज टू टेन टेन डेज टू टेन मीन ऑप्शन बी इज करेक्ट एक्स का ही वैल्यू फाइंड करना था इसमें ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम ऑफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज यानी कि इस मैट्रिक्स के इनवर्स में फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है वो बताना ठीक है तो इनवर्स क्या होता है वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए इन टू एडजेंट है राइट सो अगर इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे तो फर्स्ट कॉलम क्या अलोंग डिटर्मिनेंट इसका आएगा वन डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू वन यानी कि इनवर्स अभी किसके इक्वल हो गया एट जोइंट ए के ठीक है एट जोइंट ए फाइंड करने के लिए पहले इसका को फैक्टर के फॉर्म में मैट्रिक्स फाइंड करना पड़ेगा जो कि ए के इक्वलेंट होगी पर देखो हमें फर्स्ट रो थर्ड कॉलम चाहिए ना तो हम फर्स्ट कॉलम थर्ड रो के अलोंग यानी कि इस जीरो पोजीशन का जो को वैक्टर होगा वो इनवर्स मैट्रिक्स में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के अलोंग एलिमेंट होगा ठीक है तो इस जीरो के अलोंग को फैक्टर होगा फोर प्लस थ्री यानी कि सेवन मतलब सेवन आंसर ओके डायरेक्ट भी कर सकते हो लेकिन अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो फिर मैं इसको प्रॉपर तरीके से करता हूं ठीक है इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स कर को फैक्टर है वो क्या क्या होंगे देखो यहां पे प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट लगाएंगे क्योंकि को फैक्टर फाइंड कर रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ओके ओके ये क्या बनेगा वन एंड देन फर्स्ट और सेकेंड कॉलम जीरो फर्स्ट और थर्ड कॉलम जीरो सेकेंड ओ फर्स्ट कॉलम टू सेकेंड ओ सेकेंड कॉलम वन सेकेंड ओ थर्ड कॉलम जीरो फर्स्ट रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेवन एंड देन थर्ड रो सेकेंड कॉलम टू एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम वन ठीक है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास वन माइनस टू सेवन जीरो वन माइनस टू जीरो जीरो वन राइट अभी इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो एट ज्वाइंट ए बन जाएगा सो so, एट ज्वाइंट ए इक्वल टू ट्रांसपोज मतलब कॉलम को रो बना देंगे रो को कॉलम बनाएंगे तो ये बनेगा वन जीरो जीरो माइनस टू वन जीरो सेवन माइनस टू वन ठीक है और डिटर्मिनेंट ए वन है इसका मतलब इनवर्स किसके इक्वल हो गया ए के ओके और इनवर्स में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम सेवन सो आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ए पर्सन थ्रोज द फेड डाइस नॉट द फेयर डाइस बट टू फेयर डाइस ओके ए पर्सन थ्रोज टू फेयर डाइस ही विन्स फिफ्टीन फोर थ्रोंगे डबल यानी कि सेम नंबर ऑन द टू डाइस वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स ये आएगा तो उसको फिफ्टीन रूपीज मिलेंगे विन्स ट्वेल्व वेन द थ्रो रिजल्ट इन द सम ऑफ नाइन ओके अगर दोनों डाइस के सम नाइन हो रहा है तो ट्वेल्व रुपीज एंड लॉस इज सिक्स फॉर एनी अदर आउटकम ऑन द थ्रो देन द एक्सपेक्टेड गेन और लॉस इन रूपीज ऑफ द पर्सन इज ठीक है देखो यहां पर टू डाइस थ्रो कर रहे हैं इसका मतलब टोटल आउटकम्स कितने होंगे थर्टी सिक्स राइट सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबल इज ओके डबल आने की एक्सपल कौन कौन से है वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर यह सिक्स टाइम्स है सिक्स अपॉन थर्टी सिक्स यानी कि वन अपॉन सिक्स राइट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम नाइन इज इक्वल टू सम नाइन कब होगा थ्री सिक्स फोर फाइव फाइव फोर एंड सिक्स थ्री देर आर फोर आउटकम्स सो फोर अपॉन टोटल आउटकम थर्टी सिक्स यानी कि वन अपॉन नाइन ओके एंड प्रोबिलिटी ऑफ रिमेनिंग एनी अदर आउटकम्स यानी की क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये कितना है सिक्स प्लस फोर टेन टेन अपॉन थर्टी सिक्स राइट ये टेन अपॉन थर्टी सिक्स है तो थर्टी सिक्स माइनस टेन होगा ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स अपॉन थर्टी सिक्स यानी कि थर्टीन अपॉन एटीन ओके सो एक्सपेक्टेड गेन और लॉस एक्सपेक्टेड गेन और लॉस क्या होगा देखो फिफ्टीन रुपीज गेन करने की प्रोबेबिलिटी है यानी कि एक्सपेक्टेड गेन कितना ट्वेल्व रुपीज गेन करने की प्रॉबेबिलिटी हैिटी थर्टीन बाई एटीन यानी कि थर्टीन बाई एटीन इंटू माइनस सिक्स ओके माइनस मतलब लॉस कर रहे ठीक है, ओके ये थ्री से डिवाइड हो सकता है तो ये फाइव टाइम्स ये टू टाइम्स यानी कि फाइव अपॉन टू प्लस अगेन ये भी थ्री से डिवाइड हो सकता 4 3, minus, minus है फोर अपॉन थ्री माइनस ये माइनस बारह एन सिक्स से थ्री टाइम्स यानी कि थर्टीन अपॉन थ्री ठीक है अगर इसको सोल्व करें तो ये बनेगा फिफ्टीन प्लस एट फिफ्टीन प्लस एट ट्वेंटी थ्री अपॉन सिक्स माइनस थर्टीन अपॉन थ्री ठीक है so, सो अगर इसको टू से मल्टीप्लाई करूँ सोल्व करने के लिए तो ये बनेगा ट्वेंटी थ्री माइनस ट्वेंटी सिक्स यानी कि माइनस थ्री अपॉन सिक्स मीन्स माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू मीन्स वन बाई टू का लॉस यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट ओके क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन एफ एक्स इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट देन लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ठीक है एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का एक्स इक्वल टू जीरो पे लिमिट चेक करना बट अगर डायरेक्ट एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है न्यूमरेटर में एफ एक्स है तो एक्स की जगह जब जीरो पुट करेंगे तो ये सेकेंड रो पूरा जीरो हो गया यानी कि जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है ठीक है तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करने के लिए एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा देखो सेकेंड रो से एक्स कॉमन लूंगा तो एक्स बार आएगा तो अंदर क्या बचेगा सेकेंड रो में इधर बचेगा एक्स स्क्वायर एक्स एंड वन फर्स्ट एंड थर्ड रो इज इट इज साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स टू एक्स वन एंड एक्स ठीक है ओके अब अगर इसको एक्सपेंड करें तो ये बनेगा एक्स साइन एक्स इन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस कॉस एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस टेन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर ओके सो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स ये इज इट इज साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस कॉस एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस टेन एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर ओके और डिनोमिनेटर में क्या एक्स स्क्वायर ओके एक एक्स से एक एक्स कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स टेंस टू जीरो है एक्स इक्वल टू जीरो नहीं है तो एक्स एक्स कैंसिल कर सकते हैं ओके okay. अभी मैं यहां पे इसको सोल्व करने के लिए क्या करूं एल हॉफिटल रूल अप्लाई करें क्योंकि जीरो बाई जीरो कर सकते हैं यानी कि न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट अलग करेंगे डिनोमिनेटर को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे बट ये फ्रैक्शन यही रखेंगे यानी कि न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग और इसी फ्रैक्शन में सो so ये क्या बनेगा न्यूमरेटर बनेगा यहाँ पे यू इंटू वी यू इंटू वी यू इंटू वी सो साइन इज एक्स स्क्वायर माइनस वन का टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन इज साइन एक्स का कॉस एक्स ठीक है माइनस कॉस एक्स एजीज एक्स क्यूब माइनस टू एक्स का हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस एक्स क्यूब माइनस टू एक्स एजटीज कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स ओके फाइन प्लस प्लस नहीं ये माइनस बार ले लेता हूँ ओके सो टेन एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स ओके डिनोमिनेटर में वन हो जाएगा डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में तो वो लिख नहीं रहा हूँ अभी एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर सकते हैं क्योंकि अभी जीरो बाई जीरो फॉर्म नहीं बन रहा डिनोमिनेटर में वन आ गया ओके सो so, अभी अगर एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा इस एक्स की वजह से या फिर साइन एक्स कुछ भी कह लो ओके एंड यह भी जीरो हो जाएगा साइन पूरा साइन एक्स की वजह से यह पूरा टेन एक्स की वजह से जीरो हो जाएगा और ये इस एक्स स्क्वायर की वजह से सेकेंड टर्म भी जीरो हो जाएगा ओके तो बचा क्या है सिर्फ यहां पे बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस वन ओके एक्स स्क्वायर माइनस वन में एक्स स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स की जगह जीरो पुट कर रहे हैं तो इधर सिर्फ माइनस वन बचा माइनस तो वन एक्स की जगह जीरो तो कॉस जीरो वन यानि कि इधर बचा माइनस वन माइनस कॉस जीरो वन ये पूरा जीरो इधर माइनस टू ब्रैकेट में माइनस टू ये बार माइनस है इसलिए ये ब्रैकेट लगाना पड़ा ओके एक्स की जगह ये तो पूरा जीरो हो गया ये भी जीरो सब कुछ जीरो हो गया तो इधर बचा माइनस वन प्लस टू माइनस वन प्लस टू विच इज इक्वल टू वन यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन द मीन एंड वेरियंस ऑफ अ रेंडम वेरिएबल हैविंग ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर फोर एंड टू ओके किसी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल का मीन एंड वेरियंस है फोर एंड टू रेस्पेक्टिवली ठीक है देन पी एक्स इक्वल टू वन ईज ओके इन जनरल पी एक्स इक्वल टू आर होता है एन सी आर पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर राइट right? सो so, अगर पी एक्स इक्वल टू वन हमें फाइंड करना है तो आर का वैल्यू वन हो जाएगा लेकिन उसके लिए फिर एन पी एंड क्यू का वैल्यू हमें फाइंड करना होगा ठीक है एन पी एंड क्यू का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है कि मीन फोर ए मीन फोर इसका मतलब क्या है इसका मतलब है एन पी इक्वल टू फोर राइट एंड वेरियंस टू वेरियंस टू इट मीनस एन पी क्यू इक्वल टू टू है ठीक है सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन दिस इज सेकेंड इक्वेशन सो अगर इन दोनों को सोल्व करेंगे सोल्व कैसे करेंगे फर्स्ट अपॉन वन अपॉन टू करेंगे तो एनपी से एनपी कैंसिल हो जाएगा यानी कि यहां से वन अपॉन क्यू इक्वल टू टू मिलेगा यानी कि क्यू इक्वल टू वन बाई टू ओके क्यू इक्वल टू वन बाई टू तो पी इक्वल टू वन माइनस वन बाई टू यानी कि वन बाय टू ओके पी इक्वल टू वन बाय टू सो एन इक्वल टू एट फर्स्ट में अगर ये पुट करोगे पी इक्वल टू वन टू तो यहां से एन इक्वल टू एट आ जाएगा ठीक है। ओके सो पी एक्स इक्वल टू वन क्या होगा एन सी आर यानी कि एट सी वन पी रेस टू आर यानी कि वन बाई टू पावर वन क्यू रेस टू एन माइनस आर यानी कि वन बाई टू रेस टू एट माइनस वन ठीक सो ये बनेगा एट सी वन होगा एट एंड दिस इज वन बाय टू एंड वन बाय टू रेस टू सेवन यानी कि वन बाय टू रेस टू एट ओके एट को लिख सकते टू पावर टू पावर थ्री अपॉन टू पावर एट सो ये बनेगा वन अपॉन टू पावर फाइव यानी कि वन अपॉन थर्टी टू सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ठीक है इजी क्वेश्चन ओके क्वेश्चन नंबर एटीन इफ एफ ओ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स देन ए टू बी एक्स एफ एक्स डीएक्स इक्वल टू देखो इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एक्स डीएक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स यानी कि ये दोनों इक्वल होते हैं तो अगर इसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी अगर इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे तो हमें किसका वैल्यू फाइंड करना इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स ठीक है एक्स की जगह हम क्या पुट करने वाला ए प्लस बी माइनस एक्स सो ये बनेगा ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स ठीक है अच्छा क्वेश्चन में ये चीज मेंशन की है कि एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स यानी कि इसकी जगह एफ एक्स पुट कर सकते हैं तो ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स को पहले ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर एफ एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यह बनेगा इंटीग्रेशन ए टू बी ए प्लस बी एफ एक्स डी एक्स माइनस ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स और ये किसके इक्वल है ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स के इक्वल है अच्छा ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो का वो टर्म इधर राइट हैंड साइड में माइनस में तो ये अगर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो एड हो जाएंगे यानी कि टू टाइम्स ऑफ ए टू बीस एक्स एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी ए प्लस बी एफ एक्स ठीक है ओके टू को अगर राइट हैंड साइड लेकर आएंगे तो ये बनेगा ए टू बी एक्स एफ एक्स डीएक्स इक्वल टू ओके ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है बार आ जाएगा तो ए प्लस बी अपॉन टू ए टू बी एफ एक्स डीएक्स ठीक है हमें इसका वैल्यू फाइंड करना था और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इज करेक्ट ओके ओके क्वेश्चन नंबर 19 द नंबर ऑफ पेशेंट्स हु विजिटेड कार्डियोलॉजिस्ट आर 13 17 11 15 इन फोर डेज ठीक है डेटा क्या है 13 17 11 15 देन स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि म्यू स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इज ओके म्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड okay? करना सो म्यू स्क्वायर होता है समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर ओके कभी कभी आपको एक्स बार की जगह यह भी मिलेगा समीशन एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर ठीक है तो दोनों का मतलब सेम ही है इसका मतलब होता है मीन मीन का स्क्वायर और एक्स बार का मतलब भी होता है मीन ठीक है समीशन एक्स स्क्वायर का मतलब होगा जितना भी अपने पास डेटा उनका स्क्वायर करके एड करो तो डेटा क्या क्या है इलेवन थर्टीन फिफ्टीन सेवनटीन इनका स्क्वायर करेंगे तो होगा इलेवन स्क्वायर वन ट्वेंटी वन थर्टीन स्क्वायर वन सिक्सटी नाइन फिफ्टीन स्क्वायर टू टू फाइव एंड सेवनटीन स्क्वायर टू एटी नाइन ओके अगर इनको एड करेंगे तो ये बनेगा एट जीरो फोर समीशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एट जीरो फोर ठीक है सो समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन क्या हो जाएगा अच्छा यहाँ पे पुट कर सकते हैं इसको एट जीरो फोर अपॉन एन का वैल्यू है फोर डेटा कितना है इलेवन थर्टीन फिफ्टीन सेवनटीन यानी कि फोर माइनस एक्स बार ओके एक्स बार क्या होता है मीन मीन मतलब सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा यानी कि 11 प्लस थर्टीन प्लस फिफ्टीन प्लस सेवनटीन अपॉन फोर so, सो इसका वैल्यू आएगा 14. मतलब आप लॉजिकली भी बता सकते हो इधर 11, 13, इधर 15, 17. तो बीच में क्या है 14. इसका मीन होगा 14. 14 स्क्वायर एट जीरो फोर अपॉन फोर होगा टू जीरो वन माइनस वन सिक्स यानी कि फाइव फाइव पेसेंट्स स्टैंडर्ड डेविएशन है फाइव पेसेंट्स ऑप्शन ए इज करेक्ट ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है देखो लिमिट कहां से कहां थे माइनस वन से वन तो इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी होती है माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो जीरो कब होता है इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स यानी कि फंक्शन में एक्स की जगह अगर माइनस एक्स पुट करें और माइनस बार आ जाता है तो उस केस में इंटीग्रेशन जीरो हो जाता है अगर उसकी लिमिट माइनस ए से ए तक है तो देखो यहां पे अपने, अपने केस में लिमिट कहां से कहां तक है माइनस वन से वन ठीक है तो अगर इसको सोल्व करें माइनस वन से वन एक्स की जगह अगर माइनस एक्स पुट करेंगे तो देखो क्या सीन बन रहा कॉस पावर फोर माइनस एक्स डी एक्स क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ठीक है यानी कि कोस के अंदर एक्स की जगह माइनस पुट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये माइनस बार आएगा ही नहीं लेकिन यहां पे माइनस एक्स पावर सेवनटीन है यानी कि ऑड पावर है पावर है तो माइनस बार आ जाएगा अगर माइनस बार आ जाएगा तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू कितना आ जाएगा जीरो मतलब इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत सोल्व करने की जरूरत नहीं डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं जीरो यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन टू फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल इट इज नेसेसरी टू नो द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट ओके इसकी नुमरिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें किस कॉन्स्टेंट की वैल्यू डेफिनेटली पता होनी चाहिए ठीक है देखो इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी होती है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो इंटीग्रल जीरो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स यानी कि फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो अगर माइनस बार आ जाएगा उस केस में इस इंटीग्रल की वैल्यू जीरो हो जाएगी अगर उसकी लिमिट माइनस ए से ए तक है तो ठीक है तो इसमें भी लिमिट माइनस ए टू ए जैसा कुछ दिख रहा है माइनस टू 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 और अंदर कितने टर्म्स है टोटल थ्री टर्म्स है तो अगर इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा माइनस टू 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 पी एक्स क्यूब डी एक्स प्लस माइनस टू 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 क्यू एक्स डी एक्स प्लस माइनस टू 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 एस डी एक्स ठीक है p तो बाहर आ जाएगा p कांस्टेंट है q कांस्टेंट है s कांस्टेंट है लेकिन अंदर क्या बनेगा एक्स क्यूब इधर x राइट right? और पावर किस तरह की माइनस टू 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 यानी कि माइनस ए टू एफ एक्स डीएक्स इस तरह का फॉर्म दिख रहा है अगर यहां पे x की जगह माइनस एक्स पुट किया तो माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि पावर ऑड है इसमें भी पावर ऑड है यानी कि इसका वैल्यू जीरो होने वाला इस इंटीग्रल का वैल्यू जीरो इसका जीरो लेकिन यहां पे क्या होगा s बार आ गया और माइनस टू 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 डी एक्स राइट तो ये बनेगा इसको जब सोल्व करेंगे ये जीरो नहीं होगा मतलब अगर इसका नुम्रिकल वैल्यू फाइंड करना है तो हमें s का वैल्यू डेफिनेटली पता होना चाहिए अगर p एन q का नहीं पता होगा तो भी चलेगा क्योंकि वो तो वैसे भी जीरो होने वाले ठीक है सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नुमरिकल वैल्यू मतलब नंबर में वन टू थ्री फोर ऐसे ओके सो ऑप्शन सी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ फाइव कोर्सेज इफ नाइन कोर्सेज आर अवेलेबल एंड टू स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट ठीक है नंबर ऑफ वेज बताना है कि एक स्टूडेंट फाइव कोर्सेज को कैसे कैसे चूज कर सकता है आउट ऑफ नाइन कोर्सेज में से अगर टू कोर्सेज कंपल्सरी है जो कि स्पेसिफिक कोर्सेज है और वो कंपल्सरी है ठीक है टोटल कोर्सेज कितने नाइन राइट नाइन में से टू स्पेसिफिक कोर्सेज है और वो कंपल्सरी है ओके okay, नाइन में से टू स्पेसिफिक कोर्सेज है मतलब टू में से टू टू तो लेना ही पड़ेगा ओके टू सी टू ए की तरीका है जो आपको टू कोर्सेज कंपलसरी है वो तो लेना ही लेना उसमें कोई ऑप्शन नहीं है मतलब ऑप्शन नहीं है उसमें कोई वेज नहीं है कि इसको किस किस तरीके से चूज कर सकते वो स्पेसिफिक है और कंपल्सरी है तो टू सी टू ओके अभी बच्चे कितने हैं सेवन सेवन में से चूज करना ठीक है अच्छा दो तो स्पेसिफिक है वो ले चुके हैं हम कितने लेना चाह रहे हैं फाइव दो ले चुके तो बचे कितने थ्री थ्री और लेने आउट ऑफ सेवन सो सेवन सी थ्री ओके आंसर अपना सेवन सी थ्री मतलब नंबर ऑफ वेज सेवन सी सेवन कोर्सेज पे ही डिपेंड करेगा कि सेवन कोर्सेज में से थ्री कोर्सेज किस किस तरीके से ले सकते हैं सो सेवन सी थ्री का मतलब होगा सेवन फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल सेवन माइनस थ्री फैक्टोरियल यानी कि सेवन फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल थ्री इंटू टू ठीक है सो दिस इज थर्टी फाइव ऑप्शन सी इज करेक्ट ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री इफ इंटीग्रेशन ऑफ फाइव टेन एक्स अपॉन टेन एक्स माइनस टू डी एक्स इक्वल टू ओके इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन क्वेश्चन में गिवन है देन फाइंड द ए मतलब सॉल्यूशन अननोन के फॉर्म में अननोन ए के फॉर्म में तो हमें ए का वैल्यू फाइंड करना है तो हम एक काम करते हैं इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं प्रॉपर सोल्यूशन फाइंड करते हैं और अपने प्रॉपर सोल्यूशन को इस सोल्यूशन के साथ कंपेयर करके ए का फाइंड कर लेंगे ठीक है ओके फाइव टेन एक्स देखो यहां पे टेन एक्स को मैं लिख रहा हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डिनोमिनेटर में टेन एक्स एज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस टू डी एक्स एज इट इज ओके ओके फाइ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन ओके कॉस एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा तो साइन एक्स माइनस टू कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स कॉस कॉस कैंसिल हो गया तो बच्चा क्या फाइ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस टू कॉस एक्स राइट डी एक्स ओके इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं आ, ये एक्चुअल में एच एस सी पार्ट टू का थ्री पॉइंट बी का क्वेश्चन जब न्यूमरेटर में टर्म होता, होता है या फिर लीनियर फंक्शन होता है तो उनको इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर डे डिनिनेटर का डिफ्रेंशियन राइट न्यूमरेटर क्या फाइव साइन एक्स इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर यानीस टू कॉस एक्स प्लस बी इन डिनोमिनेटर डेज इसका डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स ठीक है इसको रीअरेंज रे करके लिखते हैं जो राइट हैंड साइड में उनको रीअरेंज रे करके लिखते हैं तो ए साइन एक्स प्लस बी टू साइन एक्स यानी कि टू बी साइन एक्स ए प्लस टू बी अंदर बचेगा अगर sin x को कॉमन ले लू तो राइट माइनस टू ए प्लस बी माइनस टू ए प्लस बी और कॉस एक्स बार बचेगा राइट अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो साइन एक्स के कोफिशियंट और कॉस एक्स के कोफिशियंट इक्वल होने चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड कोई कॉस एक्स का कोफिशियंट नहीं है माइ मतलब माइनस टू ए प्लस बी इक्वल टू जीरो दिस इज यानी कि टू ए इक्वल टू बी ओके और अगर साइनेक्स के कोफिशियंट को कंपेयर करें तो ए प्लस टू बी इक्वल टू फाइव और अगर मैं रिलेशन वन को यूज करूं रिलेशन टू में तो आप क्लियरली देख सकते हो यहां से कि बी की जगह में टू ए पुट करूंगा तो ये बनेगा ए प्लस फोर ए इक्वल टू फाइव यानी कि ए इक्वल टू वन अगर ए इक्वल टू वन है तो बी इक्वल टू टू हुआ राइट सो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा न्यूमरेटर होगा अपना वन इंटू डिनोमिनेटर प्लस टू इंटू डिनोमिनेटर डेस इसको आगे लिखते यानी कि फाइव साइन एक्स इक्वल टू होगा वन इंटू डिनोमिनेटर यानी कि साइन एक्स माइनस टू कॉस एक्स साइन एक्स माइनस टू कॉस एक्स प्लस बी यानी कि टू इंटू कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स ओके सो ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर को इसके हैं। इक्वलिक्सोमिनेटर तो क्या है एक्स माइनस टू कॉस एक्स तो है साइन एक्स माइनस टू एक्स। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड डिवाइड कर रहा हूं okay, ओके अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे इसका मतलब क्या है इनको इंटीग्रेट करना ठीक है देखो हमने ये फॉर्म ऐसा इसीलिए बनाया था कि अगर न्यूमरेटर को मैं इंटू डिनोमिनेटर के फॉर्म में रखूं तो डिनोमिनेटर से डिवाइड ये न्यूमरेटर की बात हो रही डिनोमिनेटर इधर आएगा तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल हो जाएगा और इधर बचेगा और दूसरा डिनोमिनेटर डेस के फॉर्म में इसको इसलिए रखा ताकि इसको टी कंसिडर करने पर ऊपर वाला डी बनेगा यानी कि ये लॉग टी बनेगा यानी कि लॉग ऑफ डिनोमिनेटर बनेगा, बनेगा। उप दिनौक उप दिनौक उप दिनौक उप राइट सो इधर बना वन डीएक्स यानी कि एक्स प्लस टू ऑफ साइन एक्स माइनस टू कॉस एक्स प्लस सी ठीक है अगर इसे कंपेयर करें तो अगर इसे कंपेयर करो तो ए का वैल्यू टू आ रहा है ठीक है यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट राइट यस टू ऑप्शन डी इज करेक्ट ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन डी एक्स इक्वल टू यानी कि इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना ठीक है ओके okay. टर में सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स को मैं लिख रहा हूँ सेक एक्स इन टू सेक्स डी एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में सेक एक्स प्लस टेन एक्स होल पावर नाइन अपॉन टू राइट राइट अगर हम सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी कंसिडर करें तो सेक एक्स का होता सेक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स डी इक्वल टू डी टी सो अगर यहां से सेक एक्स कॉमन लें तो अंदर बचेगा टेन एक्स प्लस x. एक्स इसका मतलब सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन टेन एक्स प्लस सेक एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स को हमने टी कंसिडर किया तो डिनोमिनेटर में क्या जाएगा टी जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में टेन एक्स प्लस x एक्स है उसका मतलब है टी इसको हमने टी कंसिडर किया ठीक है, तो sec डी एक्स, एक्स की जगह डी आ जाएगा और डिनोमिनेटर में सेक एक्स प्लस टेन एक्स की जगह टी लेकिन इस सेक एक्स की क्या पुट इसके लिए हम यहां पे अलग से कैलकुलेशन कर रहे हैं. सेक एक्स प्लस टेन एक्स को हमने टी इसका मतलब सेक एक्स माइनस टेन एक्स वन अपॉन टी होगा ओके कैसे देखो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू से स्क्वायर एक्स यानी कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन ओके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से यह होगा ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू वन यानि कि सेक एक्स माइनस टेन एक्स इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स और सेक एक्स प्लस टेन एक्स को हमने टी कंसिडर किया सो दिस इज वन अपॉन टी ओके ये इस तरह से वन अपॉइंटी आई और ये सेम केस कॉसेक और में भी होता है कॉसेक एक्स प्लस को अगर टी कंसिडर करते हैं तो X होता है ठीक है अगर इन दोनों को एड करें तो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा और इधर इधर बचेगा टू सेक एक्स इक्वल टू टी प्लस वन टी यानी कि सेक एक्स इक्वल टू वन बाई टू टी प्लस वन अपॉइंट टी राइट सो इसको अगर मैं फर्स्ट कंसिडर करूँ इसको सेकेंड कंसिडर करूँ इसको थर्ड कंसिडर करूं तो ये तीनों से वैल्यू अगर मैं इंटीग्रेशन में पुट करूंगा तो सेक एक्स की जगह वन बाई टू टी प्लस वन ओ पॉइंटी सेक एक्स डीएक्स की जगह डी टी ओ पॉइंट डिनोमिनेटर में ब्रैकेट के अंदर जो है उसकी जगह टी ठीक है पुट करते हैं देखते हैं क्या बनता इंटीग्रेशन सेक एक्स की जगह वन बाई टू टी प्लस वन वन बाई टू कॉन्स्टेंट बार आ जाएगा टी प्लस वन अपॉइंटी की जगह डी टी के अंदर जो भी है उसकी जगह टी और पावर में कितना है नाइन बाई टू राइट राइट वन बाई टू एज इट इज अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये टी के अंदर जाएगा तो इससे कैंसिल होगा और इधर टी स्क्वायर बनेगा यानी कि t पावर माइनस टू और फाइनली ये बनेगा t रेस टू माइनस नाइन टू प्लस टी रेस टू माइनस नाइन अपॉन टू माइनस टू यानी कि टी रेस टू माइनस थर्टीन अपॉन टू डी ओके अभी एक्स रेस टू एन के फॉर्मूले से अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा टी रेस टू माइनस नाइन अपॉन टू प्लस वन यानी कि माइनस सेवन अपॉन टू अपॉन माइनस सेवन अपॉन टू प्लस प्लस नहीं माइनस क्योंकि डिनोमिनेटर में इसके भी माइनस आएगा तो कितना आएगा टू यह तो तो okay, बनेगा वन बाई टू माइनस टू अपॉन सेवन टी रेस टू सेवन बाई टू माइनस टू अपॉन इलेवन टी रेस टू इलेवन अपॉइन टू प्लस सी ओके टू ऊपर से कॉमन आके डिनोमिनेट इधर जो बार पड़ा है उससे कैंसिल हो जाएगा माइनस भी मैं बार अपन okay. अगर मैं टी रेस टू इलेवन बाई टू कॉमन लेता हूँ डिनोमिनेटर से और ऐसा इसलिए ले रहे क्योंकि जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें डिनोमिनेटर में टी रेस टू इलेवन बाई टू कॉमन लिया है ओके सो इधर बनेगा ओके फर्स्ट हमें वन अपॉइंट सेवन एंड यहां पे टी रेस टू सेवन बाई टू है हमने इलेवन बाई टू कॉमन लिया इसके पास सिर्फ सेवन बाई टू है तो न्यूमरेटर में टी पावर टू चला जाएगा माइनस वन बाई इलेवन एज इट इज राइट राइट माइनस वन अपॉन अब टी की जगह अगर से एक एक्स प्लस टेन एक्स पुट करें तो ये क्या बन के आ रहा है इलेवन बाई टू वन बाई सेवन अच्छा माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा ठीक है ये माइनस माइनस कॉमन लिया तो इधर प्लस हो गया सेक एक्स प्लस टेन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई इलेवन यानी कि ऑप्शन ऑप्शन सी इज करेक्ट राइट राइट प्लस सी ओके ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइज़ जेड इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई सब्जेक्ट टू दीज थ्री फोर कंस्टेंट्स ओके सो मैक्सिमाइज़ किसको करना है जेड इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई को तो so, मैक्सिमाइज़ करने के लिए मैक्सिमाइज़ कैसे होता है मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो कॉमन सोल्यूशन रीजन होता है जो कॉमन फिजिबल रीजन होता है उसके कॉर्नर पॉइंट्स पर ही जेड मिनिमम या मैक्सिमम होता है तो पहले कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करते हैं कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने के लिए ये लीनियर इन को इस एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना होगा ओके वन वन करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट लीनियर इन इक्वलिटी एक्स माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू टेन ओके तो इसके लिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स माइनस वाई इक्वल टू टेन का लाइन राइट ओके सो अगर एक्स जीरो तो वाई माइनस टेन और अगर वाई जीरो तो एक्स टेन यानी कि पॉइंट मिला जीरो माइनस टेन टेन जीरो तो सपोज ये x एक्सिस पे टेन है और ये y एक्सिस पे माइनस टेन है अगर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो लाइन ड्रॉ हो जाएगी ओके दिस इज जीरो और लाइन का क्या? X -Y 10. बहुत ही अच्छा, स्टेप तो में हम लाइन ड्रॉ करते हैं सेकंड स्टेप में चेक करते हैं कि क्या इसमें जीरो जीरो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा तो लीनियर इन में चेक करते जगह जीरो, जीरो जीरो इज लेस देन और इक्वल टू तो टेन यस पॉइंट सेटिस्फाई हो गया इसका मतलब इसका सोल्यूशन रीजन जीरो जीरो साइड है अगर पॉइंट सेटिस्फाई हो जाता है तो जीरो जीरो साइड अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो उसके ऑपोजिट साइड तो इधर जीरो जीरो है इसलिए सोल्यूशन रीजन ये वाला ठीक है एक लीनियर इनिक्वलिटी कंप्लीट हो गई और मैंने सिर्फ एरो से इसको डिनोट किया है क्योंकि जो कॉमन सोल्यूशन रीजन आएगा हम उसको प्रॉपर तरीके से सेडेड बनाएंगे ठीक है ओके सेकेंड लीनियर इनिक्वलिटी टू एक्स प्लस थ्री वाई लेस देन और इक्वल टू ट्वेंटी तो फर्स्ट स्टेप में हम लाइन ड्रॉ करेंगे टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू ट्वेंटी का लाइन यानी कि अगर x जीरो है तो y यहाँ से ट्वेंटी अपॉइंट थ्री मिल रहा है और अगर y जीरो है तो x यहाँ से टेन मिल रहा तो तो है यानी कि टेन जीरो जीरो ट्वेंटी बाई थ्री तो टेन जीरो तो ऑलरेडी हमने मार्क कर रखा है एंड जीरो ट्वेंटी बाई थ्री होगा पॉजिटिव आई एक्सिस पे, ये सपोज ट्वेंटी बाई थ्री है इतना सा डिस्टेंस तो जीरो ट्वेंटी बाई थ्री इस तरह से अगर दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो लाइन ड्रॉ हो जाएगी लाइन हो गई कौन सी लाइन है टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू ट्वेंटी का लाइन अच्छा इसमें जीरो जीरो सेटिस्फाई हो रहे क्या इन इक्वलिटी में एक्स की जगह जीरो वाई की जगह जीरो टू ट्वेंटी यस इज लेस देन और इक्वल टू ट्वेंटी इसका मतलब इसका सोल्यूशन रीजन जीरो जीरो साइड वाला ओके अच्छा एक्स को एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो इनकी एक साथ बात करते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y दोनों पॉजिटिव होते हैं इसका मतलब x पॉजिटिव y पॉजिटिव और वो किसमें होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि ये फर्स्ट एंड सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी का जो भी कॉमन सॉल्यूशन रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही होना चाहिए अब देखो फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन ये वाला आया ऊपर का इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग ये नीचे वाला यानी कि इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन ये वाला रीजन है जिसमें चारों क्वाड्रेंट का एरिया आ रहा लेकिन थर्ड इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो का मतलब ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही लेना है यानी कि वो सॉल्यूशन रीजन जो इन दोनों में कॉमन है बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि ये वाला रीजन ओके सॉल्यूशन रीजन मिल गया इसका मतलब अभी z की मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगी ओके इसको हटा रहा हूं मैं ताकि यहां पर जेड की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकें ठीक है ओके okay, जेड क्या है एक्स प्लस टू वाई राइट जेड इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई और पॉइंट्स क्या है पॉइंट्स है अपने पास कॉर्नर पॉइंट्स ओके ये पॉइंट है जीरो बाई थ्री दिस इज टेन कॉमा जीरो एंड दिस इज जीरो जीरो सो जेड की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू सिर्फ फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पे होते हैं यानी कि या तो जीरो जीरो पे होगी या फिर टेन जीरो पे या फिर जीरो कोमा ट्वेंटी बाई थ्री पे सो so, तीनों पॉइंट को रख के चेक कर लेते हैं इसमें एक्स की जगह जीरो वाई की जगह जीरो तो यहाँ पे जेड इक्वल टू जीरो आएगा एक्स की जगह टेन वाई की जगह जीरो तो जेड इक्वल टू टेन एंड एक्स की जगह जीरो वाई की जगह ट्वेंटी बाई थ्री तो ये जेड बनेगा फोर्टी बाई थ्री ओके फोर्टी बाई थ्री टेन से तो ज़्यादा ही होता है और हमें जेड को क्या करना था मैक्सिमाइज करना था तो मैक्सिमाइज किस पॉइंट पे हो रहा है जीरो का ट्वेंटी बाई थ्री पे और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है फोर्टी अपॉन थ्री राइट फोर्टी अपॉन थ्री ऑप्शन में नहीं है यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट नन ऑफ दीस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स इंटीग्रेशन ऑफ फोर ई रेस टू एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन टू रेस टू एक्स माइनस फाइव डीएक्स इक्वल टू यानी कि इस इंटीग्रेशन का सोल्यूशन क्वेश्चन में गिवन है बट अननोन के फॉर्म में यानी कि ए एंड बी के फॉर्म में और हमें ए एंड बी का वैल्यू ही फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते प्रॉपर तरीके से जो भी अपना सोल्यूशन होगा उसको इस सोल्यूशन के साथ कंपेयर करके ए एंड बी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे राइट right? कैसे करें देखो इंटीग्रेशन ऑफ फोर ई रेस टू एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन टू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव डी एक्स देखो यहां पे भी ई रेस टू एक्स है यहां पे भी ई रेस टू एक्स है तो ये लीनियर फंक्शन जैसा बन गया ना मतलब न्यूमरेटर में भी लीनियर फंक्शन डिनोमिनेटर में भी लीनियर फंक्शन या फिर न्यूमरेटर में भी क्वाडिटिक डिनोमिनेटर में भी क्वाडिटिक या फिर न्यूमरेटर में भी ट्रिगोनोमेट्रिक डिनोमिनेटर में भी ट्रिगोनोमेट्री मतलब साइन कॉस्ट ट्रिगोनोमेट्री में तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सोल्व करते हैं ये महाराष्ट्र बोर्ड पार्ट टू थ्री पॉइंट टू बी का क्वेश्चन है एग्जैक्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ओके okay, इसको करने के लिए हम करते हैं न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इन डिनोमिनेटर यानी कि डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन ओके न्यूमरेटर है यहां पे फोर ई रेस टू एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू ए डिनोमिनेटर यानी कि टू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर डेस यानी कि टू ई रेस टू एक्स ओके फोर ई रेस टू एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव ये बनेगा टू ए प्लस टू बी टू ए प्लस टू बी ई रेस टू एक्स माइनस फाइव ए ठीक है अगर इसको रिसफल करके ऐसे लिखेंगे तो इस तरह का बनेगा ओके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इसका मतलब ई रेस टू एक्स के कोफिशेंट एंड कॉन्स्टेंट दोनों इक्वल होने चाहिए तो अगर सिर्फ कॉन्स्टेंट को इक्वल करेंगे पहले तो माइनस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू माइनस फाइव ए यानी कि ए इक्वल टू फाइव राइट ओके okay, अगर ई रेस टू एक्स के कोफिशियंट को, को इक्वल करेंगे तो फोर इक्वल टू टू ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी इक्वल टू टू ओके ए का वैल्यू फाइव पुट किया इधर तो बी आएगा माइनस थ्री बी इक्वल टू माइनस थ्री ओके ए एंड बी का वैल्यू अभी हमें इक्वेशन वन में पुट करना ओके पुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन क्वेशन वन ओके जो न्यूमरेटर था उसको ए एन बी अनोन के फॉर्म में फाइन किया सो ए एन बी का वैल्यू वैसे डायरेक्ट मिल गया क्योंकि अगर इसको सोल्व करेंगे अगर इसको solve करेंगे तो यही आएगा denominator. मतलब जो question में answer दिया है वही आएगा यानी कि एक्वल टू फाइव बी इक्वल टू माइनस थ्री ऑप्शन बी इज करेक्ट बट हम प्रॉपर तरीके से इसको सोल्व करके भी वेरीफाई कर सकते हैं सो so, मैं इसको पूरा सोल्व कर रहा हूं फोर e माइनस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू ए टू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव प्लस बी बी है माइनस थ्री तो इधर माइनस थ्री टू ई रेस टू एक्स डिनोमिनेटर में टू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव टू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव एंड टू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव ओके इसका इंटीग्रेशन करना मतलब इनका इंटीग्रेशन करना ठीक है डी एक्स डी एक्स डी एक्स सो ये किसकी इक्वल हो जाएगा फाइव बार और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा यानी कि इंटीग्रेशन डी एक्स मतलब एक्स माइनस थ्री बार देखो अगर नीचे वाले को टी कंसिडर करेंगे तो ऊपर वाला डी टी बनेगा यस ऑब्वियसली बनना भी चाहिए क्योंकि बी के मल्टीपल में कौन है डी आर का डिफ्रेंशिएशन तो ये बनेगा लॉग टू ई रेस टू तो एक्स माइनस फाइव प्लस सी ओके सो अगर इसको क्वेश्चन के क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन गिवन है उससे कंपेयर करेंगे तो ईक्वल टू तो फाइव एन बी इक्वल टू माइनस थ्री आएगा ठीक okay, okay, है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इंटीग्रेशन ऑफ ओके इस इंटीग्रेशन का सोल्यूशन है सोल्व करते हैं और जो अपना सोल्यूशन होगा उसको इस सोल्यूशन के साथ कंपेयर करके एफ एक्स एंड जीएक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे ठीक है इंटीग्रेशन है वन अपॉन क्यूब रूट ऑफ साइन पावर इलेवन एक्स इंटू कॉस एक्स ओके क्यूब रूट के अंदर में कॉस पावर इलेवन एक्स से मल्टीप्लाई एंड कॉस पावर इलेवन एक्स से डिवाइड कर रहा हूं ओके ताकि इजिली इसको सोल्व कर सके तो ये बनाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन क्यूब रूट ऑफ ओके साइन पावर इलेवन एक्स कॉस पावर इलेवन एक्स बनेगा टेन पावर इलेवन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस पावर इलेवन एक्स बनेगा कॉस पावर ट्वेल्व एक्स डी एक्स ओके कॉस पावर मीन कॉस रेस टू पावर ठीक है मैं शॉर्ट में ऐसे ही बोल रहा हूं अच्छा कोस पावर ट्वेल्व एक्स को अगर बाहर निकालेंगे क्यूब रूट से तो ये डिनोमिनेटर में बचेगा कॉस पावर फोर एक्स राइट क्योंकि क्यूब रूट का मतलब होता है पावर वन बाई थ्री तो जब पावर में ट्वेल्व है इंटू वन बाई थ्री करेंगे तो सिर्फ फोर ही बचेगा और क्यूब रूट के अंदर क्या बच जाएगा टेन डेस टू इलेवन एक्स ओके ओके कॉस पावर फोर एक्स ऊपर जाएगा तो बनेगा सेक पावर फोर एक्स और सेक पावर फोर एक्स को मैं लिख रहा हूं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिनोमिनेटर में क्या क्यूब रूट ऑफ टेन पावर इलेवन इलेवन एक्स यानी कि टेन डेस टू इलेवन बाई थ्री एक्स ओके 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 जो सेकेंड सेक स्क्वायर एक्स है उसको हम क्या कर सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स अपॉन टेन डेज टू इलेवन बाई थ्री एक्स एज इट इज अगेन सेक स्क्वायर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स ओके इसको अलग अलग डिवाइड करो मतलब सेक स्क्वायर एक्स प्लस से स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स तो इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये सब बनेगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन डेज टू इलेवन बाई थ्री एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन टू इलेवन बाई थ्री एक्स राइटर करेंगे तो टी बन जाएगा टेन एक्स को टी करेंगे, तो यह डी टी बनेगा और इधर टी स्क्वायर हो जाएगा ठीक है दोनों के लिए मैं टेन एक्स को टी कंसिडर कर रहा हूं तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा डी टी राइट सो so, जो फर्स्ट टर्म में ये ऊपर डी हो गया और डिनोमिनेटर में टी रेस टू इलेवन बाई थ्री डी टी अपॉन टी रेस टू इलेवन बाई थ्री प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ओके यहां पे टी स्क्वायर और इधर टी रेस टू इलेवन बाई थ्री ये नीचे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा यानी कि फाइव टी रेस टू फाइव अपॉन थ्री होगा ओके एक बार लिखते हैं ये होगा डी टी स्क्वायर डी अपॉन टी रेस टू इलेवन बाई थ्री ओके इसको ऐसे लिख सकते टी रेस टू माइनस इलेवन बाई थ्री डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू माइनस फाइव अपॉन थ्री डी टी राइट ओके अच्छा अभी अगर टी के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस इलेवन अपॉन थ्री प्लस वन टी रेस टू माइनस इलेवन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन माइनस इलेवन अपॉइंट थ्री प्लस वन यानी कि टी रेस टू माइनस एट अपॉइंट थ्री अपॉन माइनस एट थ्री प्लस टी रेस टू प्लस वन होगा तो ये माइनस टू अपॉइंट थ्री अपॉन माइनस टू थ्री राइट राइट ये बनेगा माइनस थ्री अपॉन एट इन टू वन अपॉन टी रेस टू एट बाई थ्री ओके पावर नेगेटिव है डिनोमिनेटर में आएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन टू वन अपॉन टी रेस टू टू बाई थ्री ओके अब अगर टी की जगह टेन पुट करें टी की जगह टेन पुट करेंगे माइनस थ्री अपॉन एट अच्छा हमें जो आंसर चाहिए ना उसमें एफ एक्स डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर में इसलिए इसको डिनोमिनेटर में नहीं लेकर आएंगे हम लोग इसको न्यूमरेटर में ही रखते हैं मतलब ये टेन रेस टू माइनस एट अपॉन थ्री ही रखते हैं इसको सो so, t की जगह टेन पुट करेंगे तो टेन एक्स पावर माइनस एट अपॉन थ्री माइनस थ्री अपॉन टू टेन एक्स पावर माइनस टू अपॉन थ्री ओके माइनस एट अपॉन थ्री किसका 3 का yes, कोफिशियंट है माइनस थ्री अपॉन एट का यस फर्स्ट टर्म यानी कि एफ एक्स ये दिस इज आर एफ एक्स एंड दिस इज आवर जी एक्स ओके सो अकॉर्डिंगली क्या आंसर होगा पावर माइनस एट अपॉन थ्री एंड माइनस टू थ्री यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट ओके ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट द ऑर्ट्स अगेंस्ट एन इवेंट आर फाइव टू थ्री एंड द ऑर्ट्स इन फेवर ऑफ अनदर इंडिपेंडेंट इवेंट आर सेवन इंज टू फाइव द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट विल अकर इज ओके क्वेश्चन में दो इवेंट की बात हो रही है फर्स्ट इवेंट में ऑर्ड्स अगेंस्ट होने के चांसेस फाइव टू थ्री एंड सेकेंड इवेंट में ऑर्ड फेवर में होने के चांसेस सेवन इज टू फाइव तो क्वेश्चन है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों में से कोई एक, एक इवेंट डेफिनेटली हो जाएगी ओके okay. क्वेश्चन के स्ट इट वन आर फाइव टू थ्री ओके इसका मतलब क्या है ऑर्ड्स अगेंस्ट इवेंट वन आर फाइव टू थ्री इसका मतलब यह है कि अगर इवेंट वन को एट चांसेज मिलते हैं कंडक्ट होने के तो उसमें से फाइव चांसेज है कि इवेंट नहीं होगी क्योंकि ऑर्ड्स अगेंस्ट फाइव टू थ्री है तो ये जो फर्स्ट नंबर है वो अगेंस्ट का है अगर यहां पे फेवर होता है तो यह फर्स्ट नंबर फेवर का होता है ओके okay, और ऐसे मतलब रीड करते हैं तो भी फील होता मतलब तो, है इवेंट वन आर फाइव टू थ्री मतलब फाइव अगेंस्ट एंड फेवर थ्री यानी कि अगर एट चांसेज मिलते इवेंट वन को होने के तो फाइव कंडक्ट नहीं हो फाइव में कंडक्ट नहीं हो पाएगा थ्री में कंडक्ट हो जाएगी यानी कि इवेंट थ्री चांसेज एक इवेंट हो जाएगी फाइव चांसेज एक इवेंट नहीं होगी राइट ओके इसका मतलब इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी थ्री बाई एट एंड इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पी डे इक्वल टू फाइव बाई एट ओके यहां पे इवेंट वन है इसलिए पी वन पी वन कर देता हूं ओके ओके सेकेंड ऑर्ड्स अगेंस्ट अगेंस्ट नहीं फेवर ऑर्ड्स इन फेवर ऑफ इवेंट टू ओके ऑर्ड्स इन फेवर ऑफ अनदर इवेंट आर सेवन इज टू फाइव ओके okay, इसका मतलब क्या है इन फेवर ऑफ इवेंट टू को अगर ट्वेल्व चांसेज मिलते हैं तो सेवन चांसेज कि इवेंट हो जाएगी इन फाइव चांसेज है कि इवेंट नहीं होगी ठीक है अगर ट्वेल्व अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो सेवन है कि इवेंट हो जाएगी फाइव चांसे कि इवेंट नहीं होगी क्योंकि ये इन फेवर सेवन इंस टू फाइव राइट सो पी टू के होने की प्रोबेबिलिटी होगी सेवन अपॉइन ट्वेल्व इन पी टू के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी होगी फाइव बाई ट्वेल्व ओके okay, क्वेश्चन पे आते है क्वेश्चन क्या प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट विल अकर यानी कि कम से कम एक इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है मतलब या तो पी वन हो जाए और पी टू नहीं हो या फिर पी वन नहीं हो और पी टू हो जाए या फिर पी वन एंड पी टू दोनों हो जाए ओके okay, अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे पी वन पी टू डेज की तो ये आएगी थ्री अपॉइंट एट इन फाइव ट्वेल्व प्लस पी वन डेज फाइव अपॉन एट इन टू सेवन अपॉन ट्वेल्व प्लस थ्री अपॉन एट इन सेवन अपॉन ट्वेल्व ओके ओके सो दिस इज फिफ्टीन अपॉन नाइन्टी सिक्स प्लस थर्टी फाइव अपॉन नाइन्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी वन अपॉन नाइन्टी सिक्स ओके सो ये कितना बन रहा है फिफ्टी सिक्सटी 70, 71 वन अपॉन नाइन्टी सिक्स यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ठीक है अच्छा इसको इतना करने के बाद हम यहाँ पे एक और तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन में बोला है कि एटलीस्ट वन यानी कि कम से कम एक इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है तो हम एक कम करते हैं इसको ऐसे करते हैं कि वन माइनस एक भी इवेंट नहीं हो रही है मतलब ना तो फर्स्ट हो रही है ना ही सेकेंड हो रही है उसको अगर वन में से माइनस कर देंगे तो एटलीस्ट वन आ जाएगा यानी कि वन माइनस पी डे पी वन डेज क्यू वन डेज फाइव 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 अपॉन एट इंटू फाइव अपॉन ठीक है तो वन माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन नाइनटी सिक्स डायरेक्ट आंसर ओके ऑप्शन बी इज करेक्ट ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ए कोमा बी कोमा सी ऑन द जेड एक्सिस आर यानी कि एबीसी पॉइंट का जेड एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना देखो टू डी सिस्टम है ये है, ये वाई है. तो ए कोमा बी का अगर एकस एकस पे डालूंगा तो फूटो परपेंडिकुलर क्या होगा क्योंकि ये एकस एकस पे, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट जीरो एंड इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो फूटो परपेंडिकुलर में एक्स कोऑर्डिनेट होगा ओके okay? पॉइंट का जो एक्स कॉर्डिनेट होगा वो फूटो परपेंडिकुलर में भी सेम रहेगा क्योंकि ये ए डिस्टेंस है तभी तो ये ए कोमा बी बना राइट right. सेम वैसे ए बी सी का जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर फाइंड कर रहे हैं तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा एंड जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा सी यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट ओके ओके क्वेश्चन नंबर थर्टी लेट ए वन माइनस वन टू एंड बी टू थ्री माइनस वन बी टू पॉइंट इफ ए पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द पोजिशन वेक्टर ऑफ पी इज ओके okay, अगर P पॉइंट ए बी को टू इस टू थ्री में डिवाइड करता है तो P का पोजीशन वेक्टर क्या है तो देखो अगर P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो P का पोजीशन वेक्टर भी आ जाएगा तो P का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इन जनरल अगर A के कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन जेड वन एंड B के कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई है एंड सपोज P पॉइंट जो ए बी को एम इस टू एन में डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड है तो एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू एम एन एंड एक्स वाई जेड में रिलेशन होता है एक्स इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन वाई इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन एम प्लस एन जेड इक्वल टू एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपॉन एम प्लस एन राइट right? यानी कि पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड इस तरह से फाइंड होते हैं राइट ओके यहां पे एक अपने केस में ए के कोऑर्डिनेट है वन माइनस वन वन माइनस वन टू एन बी के कोऑर्डिनेट है टू थ्री माइनस वन ओके एम का वैल्यू यहां पे टू n, एन का वैल्यू थ्री तो अकॉर्डिंगली इसमें पुट करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएगा एक्स इक्वल टू एम एक्स टू कि टू इंटू टू प्लस एन एक्स वन यानी कि थ्री इंटू वन अपॉन एम प्लस एन मीन सेवन अपॉन फाइव y इक्वल टू एम वाई टू यानी कि टू इंटू थ्री प्लस एन वाई वन थ्री इंटू माइनस वन अपन एम प्लस एन मीन्स थ्री अपॉइंट फाइव जेड इक्वल टू एम जेड टू यानी कि टू इंटू माइनस वन प्लस एन जेड वन थ्री इंटू टू अपन एम प्लस एन यानी कि फोर अपॉइंट फाइव ओके एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट आ गए तो अभी पोजिशन वेक्टर भी आ जाएगा ये एक्स वाई जेड किसके कोऑर्डिनेट है पी के कोऑर्डिनेट सो पोजिशन वेक्टर ऑफ पी यानी कि ओपी वेक्टर इक्वल आएगा सेवन अपॉन फाइव आई के प्लस जे फोर अपॉन फाइव के के राइट सो पोजिशन वेक्टर ऑफ ओपी इज वन पॉइंट फाइव सेवन आई केप माइनस थ्री ओके okay, माइनस नहीं ये प्लस है प्लस थ्री जे के प्लस फोर के के यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर थर्टी वन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू जीरो आर ओके इस सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन फाइंड करना देखो इन जनरल पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है कि अगर सर्किल का इक्वेशन एक्स माइनस एक्स वन ऑल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन ऑल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है तो इसका पैरामेटिक इक्वेशन होगा एक्स इक्वल टू एक्स वन प्लस आर कोस थीटा एंड वाई इक्वल टू वाई वन प्लस आर साइन थीटा राइट यहाँ पे एक्स वन वाई वन सर्किल का सेंटर है एंड आर सर्किल का रेडियस है ओके ओके तो अपने इस क्वेश्चन में सर्कल का इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू जीरो अगर इस इक्वेशन को इस तरह से कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो मैं इसको वापस से रीअरेंज करके लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एम वाई इक्वल टू जीरो ओके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर में कैसे करते हैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर यहाँ पे x का कोफिशियंट प्लस, तो प्लस m है तो इसको लिखूंगा प्लस m बाई टू एंड होल स्क्वायर फिर यहाँ पे जो नंबर आया उसका स्क्वायर माइनस करना यानी कि एम स्क्वायर अपॉन फोर प्लस सेम यहाँ पे भी y प्लस एम बाई टू होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन फोर इक्वल टू जीरो राइट ओके सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो एक्स प्लस एम बाई टू होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एम बाई टू होल स्क्वायर ओके माइनस एम स्क्वायर अपॉइट फोर माइनस एम स्क्वायर अपॉन फोर दिस इज माइनस एम स्क्वायर अपॉइट टू राइट हैंड साइड जाएगा तो एम स्क्वायर अपॉइन टू यस ओके एक्स प्लस एम बाई टू होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एम बाई टू होल स्क्वायर इक्वल टू एम अपॉन रूट टू होल स्क्वायर ओके इसको आर स्क्वायर फॉर्म में लिखा है इसे अच्छा तो यहाँ से एक्स वन का वैल्यू आ रहा है अपने पास देखो इससे अगर कंपेयर करेंगे ना तो एक्स माइनस एक्स वन है इधर है एक्स प्लस एम बाई टू यानी कि एक्स वन का वैल्यू यहाँ से है माइनस एम बाई टू एंड वाई वन यहाँ पे माइनस एम बाई टू देख सकते हो आर इक्वल टू एम अपॉन रूट टू राइट सो so, अपने क्वेश्चन में पैरामेट्रिक की क्वेश्चन होगा एक्स इक्वल टू एक्स वन प्लस आर कोस थीटा यानी कि माइनस एम बाई टू प्लस एम अपॉन रूट टू कोस थीटा वाई इक्वल टू वाई वन प्लस आर कोस थीटा यानी कि माइनस एम अपॉन टू प्लस एम बाई रूट टू साइन थीटा ओके कौन सा ऑप्शन मेचोर है माइनस एम बाई टू प्लस एम अपॉन रूट टू थीटा माइनस एम बाई टू अपॉन टू प्लस ओके ऑप्शन ए इज करेक्ट ओके क्वेश्चन नंबर थर्टी टू इफ ए इक्वल टू दिस बी इक्वल टू दिस एंड सी इक्वल टू दिस देन ए क्रॉस बी डॉट ए क्रोस इक्वल टू यानी कि इस क्वेश्चन में ए बी सी वैक्टर की है और हमें ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है ठीक है तो पहले ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं फिर ए क्रॉस सी फाइंड करते हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई केप जे केप के केप ओके ए के आई जे के क्वेश्चन क्या है टू थ्री माइनस वन बी के आई जे के कॉफिशियंट है माइनस वन टू माइनस फोर ओके सोल्व करेंगे तो ये ये क्या बनेगा आई के माइनस ट्वेल्व प्लस टू माइनस जे के माइनस एट माइनस वन प्लस के के फोर प्लस थ्री ओके okay, वेक्टर क्या मिला माइनस टेन आई केब प्लस नाइन जेकेब प्लस सेवन के के ओके ओके वॉट इज क्रॉस सी आई केप जे के टू थ्री माइनस वन एंड सी के आई जे के कॉपिशेंट है वन 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 ओके सो ये बनेगा आई केप थ्री थ्री प्लस वन माइनस जे के टू प्लस वन प्लस के के टू माइनस थ्री ओके फोर आई के माइनस थ्री जे के माइनस के के ठीक है तो ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस सी ये क्या होगा ओके डॉट प्रोडक्ट क्या होता है किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है उसके आई जे एंड के के कॉरस्पॉन्डिंग कॉफिशियंट को मल्टीप्लाई करना ठीक है तो माइनस टेन इंटू फोर माइनस फोर्टी नाइन इंटू माइनस थ्री माइनस ट्वेंटी सेवन सेवन इंटू माइनस वन माइनस सेवन ओके ये कितना बन रहा है माइनस सेवनटी फोर ठीक है ऑप्शन डी इज करेक्ट ओके क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री इफ अंडरुड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एनवर्स वाई अपन जीरो का इक्वेशन है एक्स एंड वाई के फॉर्म में तो हमें वाई डबल डेस जीरो फाइंड करना है यानी कि वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में दो बार डिफ्रेंसिएशन करना है और फिर एक्स इक्वल टू जीरो पर वैल्यू पुट करके ऑप्शन चेक करना है ओके सो so, देखो अगर डायरेक्ट इसका डिफरेंशिए करेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड रूट है राइट हैंड साइड Uh, e के पावर में इनवर्स इनवर्स्ट इकोनोमेट्रिक फंक्शन है और इनवर्स्ट इकोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर भी फ्रैक्शन है ठीक है तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करते हैं सिंप्लीफाई करने के बाद डिफ्रेंशिएशन करेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए रेस टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स ठीक है तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं दोनों साइड लॉग ले रहा हूं लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर वन बाई टू अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं पावर वन बाई टू इधर लॉग लेंगे तो ये बनेगा देखो ए इन इनवर्स वाई फोन एक्स है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं लॉग ए प्लस लॉग ई रेस टू टेन इनवर्स वाईनेक्स बिकॉज लॉग ई बी इक्वल टू होता है लॉग ए प्लस लॉग बी राइट ओके अगर लॉग के अंदर पावर होती है तो पावर बाहर आ जाती है यानी कि ये बनेगा वन बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लॉग ए इज इट इज प्लस यहाँ पे भी पावर बार आ जाएगी तो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स बार और अंदर बचेगा लॉग ई e, लॉग ए e होता है वन ठीक है ओके okay, अब दोनों साइड अगर डिफ्रेंशिएशन करें क्योंकि ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गया और आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ओके वन बाई टू कॉन्स्टेंट बार आ जाएगा और लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो इसको डमी एक्स कंसिडर करके करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वापस से डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है इसको अगर एक्स कंसिडर किया तो वन अपॉन एक्स लेकिन एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वापस से डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई में ओके लॉग ए कॉन्स्टेंट है जीरो हो जाएगा और टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर राइट सो यहां पर एक्स की जगह वाई अपॉन एक्स तो यह बनेगा वन अपॉन वन प्लस वाई अपॉन एक्स लेकिन वाई अपॉन एक्स का वापस है डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में ठीक है ओके वन ऑफ वन बाई टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इट इज इन साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का टू एक्स वाई स्क्वायर का टू वाई वाई 2x एक्स प्लस टू वाई वाई डेस इक्वल टू ओके यहां पे एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन एक्स स्क्वायर जो होगा उसको ऊपर लेके आ सकते हैं यानी कि ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई अपॉन एक्स यहाँ पे यू ओपन भी लगेगा तो वाई अपॉन एक्स का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में एक्स स्क्स एज इट इज वाई का वाई डे माइनस वाई एज इट इज एक्स का वन ठीक है ओके यहां पे बहुत सारे टर्म कैंसिल हो रही है देखो कौन कौन सी हो रही है यहां से टू टू कॉमन लूंगा टू टू बाहर आएगा और इस टू से कैंसिल हो जाएगा ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल ठीक है तो बचा क्या है अंदर अंदर बचेगा x प्लस वाई वाई डेस इक्वल टू एक्स वाई डेस माइनस वाई एक्स वाई डेस माइनस वाई ठीक है ओके y को इधर लेके जाते हैं और नहीं y डेस को लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं बाकी सब राइट हैंड साइड ये बचेगा वाई वाई डेज माइनस एक्स वाई डेस इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई ठीक है अगर वाई डेज यहां पे कॉमन ले लेते हैं तो ये बनेगा वाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई ठीक है कॉमन इसलिए लिया ताकि यहां पे दो बार यू इंटू वी नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि अभी हमें डबल डिफ्रेंशिएशन करना है ना तो यहां पे एक ही बार यू इंटू वी लगाना ओके एक बार और अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो यहां पे वाई डेस एज इट इज वाई माइनस एक्स का बनेगा वाई डेस माइनस वन क्योंकि वाई का वन और एक्स X, uh, X का वन और वाई का वाई डेस ठीक है प्लस वाई माइनस एक्स इज इट इज एंड वाई डेस का वाई डबल डेस इक्वल टू माइनस वन माइनस वाई डेस राइट ओके आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे ये जब वाई डेस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इधर माइनस वाई डेस बनेगा और ये माइनस वाई डेस इस माइनस वाई डेस से कैंसिल हो गया ठीक है तो इधर लेफ्ट हैंड साइड वाई लेफ्टेस स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई डबल डेस इक्वल टू माइनस वन ठीक है वाई डेस स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का वाई माइनस एक्स वाई डबल डेस इक्वल टू माइनस वन माइनस वाई डे स्क्वायर यानी कि वाई डबल डेस इक्वल टू माइनस वन माइनस वाई डेस स्क्वायर अपॉन वाई माइनस एक्स ठीक है ओके अभी हमें वाई डबल डेस की एक्स इक्वल टू जीरो पे वैल्यू चेक करनी क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ना वाई डबल डेस जीरो का मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पे तो अगर सिर्फ राइट हैंड साइड में एक्स होता तो एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर देते यहां पे तो x इक्ल टू जीरो आ जाएगा लेकिन बाकी y डेस और y की जगह क्या पुट करें तो हमें पहले चेक करना होगा कि एक्स इक्ल पे वाई की वैल्यू क्या है एक्स इक्वल पे वाई डेस की वैल्यू क्या है ओके okay, वो वैल्यू यहां पे पुट होगी क्योंकि ये एक्स का फॉर्म नहीं है राइट हैंड साइड वाई एंड वाई डेस का भी है ओके okay, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई की वैल्यू क्या आ रही है ओके यहां पे एक्स इक्वल टू जीरो पुट करूंगा तो ये बनेगा अंडर रूट वाई स्क्वायर यानी कि वाई वाई इक्वल टू ए एज इट इज ई रेस टू एक्स की, e की जगह जीरो तो इधर बनेगा वाई अपॉइंट जीरो यानी कि इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड तो टेन इनवर्स नॉट डिफाइन कहाँ होता है पाई बाई टू पे इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई का वैल्यू आया ए रेस टू पाई बाई टू ठीक है तो वाई डेज की वैल्यू क्या आएगी वाई की वैल्यू तो आ गई अभी वाई डेस की भी चेक करनी पड़ेगी हमें तो वाई डेज की वैल्यू आएगी इससे ठीक है इससे ओके वाई डेस यहाँ से क्या मिलेगा हमें y इक्वल टू होगा माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन वाई माइनस एक्स ओके ओके सो एक्स की जगह तो जीरो पुट कर रहा हूँ अगर एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये बनेगा माइनस वाई अपॉन वाई यानी कि माइनस वन कॉन्स्टेंट वैल्यू डायरेक्ट एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई डेस की वैल्यू आई है माइनस वन ठीक है ये दोनों वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करूंगा वाई डबल डेस में तो देखो फाइनल आंसर क्या आएगा वाई डेस की वाई की वैल्यू है ए ई रेस टू फाइव बाई टू तो माइनस वन का माइनस वन माइनस वाई डेस की जगह माइनस वन और उसका स्क्वायर हो रहा है अपॉन वाई की जगह ए ई रेस टू फाइव बाई टू और एक्स की जगह तो जीरो आएगा सो so, न्यूमरेटर में ये माइनस वन स्क्वायर है तो माइनस वन लेकिन बार ऑलरेडी माइनस पड़ा है तो माइनस 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 वन माइनस वन माइनस टू अपॉन ए ई रेस टू फाइव बाई टू ओके स्क्वायर से भी लिख सकते माइनस टू अपॉन ए ई रेस टू माइनस फाइव बाई टू ठीक है यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट ओके क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू जीरो फाइव एंड पैरल टू द वैक्टर्स दीज टू वैक्टर्स यानी कि प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस पॉइंट से पास होता है और इन दोनों वैक्टर के पैरल है ओके तो इस क्वेश्चन को थोड़ा विजुअलाइज करते हैं मतलब कि आंसर को कैसे अप्रोच करना है क्योंकि ये थ्री डी का क्वेश्चन है सपोज ये वो प्लेन है जिसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है ठीक है और इसमें दो वैक्टर हैं जो इसके पैरल है ठीक है सबो दिस इज ए वेक्टर दिस इज बी वेक्टर मान लेते हैं ये ए वेक्टर है अपना और ये बी वेक्टर ओके ये इस प्लेन के पैरेलल है और इस प्लेन में एक पॉइंट भी है टू जीरो ओके? अच्छा प्लेन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें एक पॉइंट एंड परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए रहता है अगर पॉइंट एंड परपेंडिकुलर वेक्टर है तो प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा लेकिन पॉइंट तो क्वेश्चन में गिवन है बट परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन नहीं तो परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करने के लिए ये इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में कि ये प्लेन दो वेक्टर के पैरल है अच्छा देखो अगर इन दोनों वेक्टर का मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो ये एक वेक्टर आएगा जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये वेक्टर प्लेन के पैरल है इसलिए जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा राइट यानी कि नॉर्मल वेक्टर कैसे मिलेगा ए क्रॉस बी से राइट ए क्या है अपने पास आई केप माइनस जे केप प्लस के है थ्री आई केप प्लस टू जे राइट सो ए रोस बी यहाँ से निकल के आएगा आई केप जे केब के के वन माइनस वन वन थ्री टू माइनस वन ओके आई केप वन माइनस टू माइनस जे के माइनस वन माइनस थ्री प्लस के के टू प्लस थ्री ठीक है यानी कि माइनस आई के प्लस फोर जे के प्लस फाइव के के ठीक है ये एक रोस भी है. एक रोस भी है, मतलब नॉर्मल वेक्टर है ठीक है नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या है माइनस वन फोर फाइव ओके किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं उसके आई जे के कॉप्शन तो नॉर्मल के डायरेक्शन रह चुके माइनस वन फोर फाइव ओके यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो की इसलिए बात हो रही है क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए ना वो वेक्टर फॉर्म में आंसर नहीं है कार्टिजन फॉर्म में इसलिए जो प्लेन का इक्वेशन हम फाइंड करेंगे वो कार्टिजन इक्वेशन का ही कार्टीजन uh, फॉर्म का ही इक्वेशन फाइंड करेंगे सो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट सपोज एक्स वन वाई वन जेड वन एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर हैविंग डायरेक्शन रेशियो ए कोमा बी कोमा सी इज वो होता है ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो राइट सो परपेंडिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो है माइनस वन फोर फाइव एंड यहाँ पे एक्स वन वाई वन जेड वन है टू जीरो फाइव तो अगर ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या बनेगा माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस फोर वाई माइनस जीरो प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो ठीक है सो माइनस एक्स प्लस फोर वाई प्लस फाइव जेड प्लस टू माइनस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू जीरो ठीक है इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे मतलब एक्स के कोफिशेंट को अगर पॉजिटिव लेके सोल्व करेंगे तो एक्स माइनस फोर वाई माइनस फाइव जेड प्लस ट्वेंटी थ्री इक्वल टू जीरो ऑप्शन बी इज करेक्ट ओके ओके क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव इफ वाई इक्वल टू टेन इनवर्स टू रेस टू एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस फोर रेस टू एक्स देन डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू ओके क्वेश्चन में वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है और हमें डीवाई बाई डी एक्स फाइंड करना यानी कि इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है. बट देखो अगर डायरेक्ट डिफेंसिएशन करेंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा बहुत कॉम्प्लेक्स बनेगा क्योंकि यहाँ पे इन्वर्ट इकोमेटिव फंक्शन है और इन्वर्ट इकोमेटिव फंक्शन के अंदर एक फ्रिक्शन है फ्रिक्शन में भी पावर में एक्स का फंक्शन है तो डिफेंशिएशन करने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि डिफेंशिएशन ईजी हो वाई इक्वल टू टेन इनवर्स टू रेस टू एक्स प्लस वन को लिख सकता हूँ टू रेस टू एक्स इंटू टू रेस टू वन अपॉन वन माइनस फोर को लिख रहा हूँ टू पावर टू ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं लिख सकते y इक्वल टू टेन इनवर्स ओके टू को आगे लिख रहा हूं टू इंटू टू रेस टू एक्स अपॉन वन माइनस इसको लिख सकते टू रेस टू एक्स स्क्वायर राइट क्योंकि पावर पे पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई होती है तो टू इंटू एक्स लिखो या एक्स इंटू टू लिखो एक ही मतलब है अच्छा देखो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में हमने ऐसा एक रिलेशन देखा inverse, 2x upon 1 minus x square है टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है टू टेन इनवर्स एक्स राइट right? तो ये उसी तरह का फॉर्म है बस यहां पे एक्स की जगह टू रेस टू एक्स है तो राइट हैंड साइड में भी हम एक्स की जगह टू रेस टू एक्स पुट करेंगे राइट सो ये वाई इक्वल टू बन जाएगा टू टेन इनवर्स टू रेस टू एक्स ओके अब अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों साइड डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो वाई का होगा डीवाई बाई डी एक्स टू कॉन्स्टेंट है बारह आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर लेकिन एक्स की जगह तो यहाँ पे टू टू रेस टू एक्स है तो एक्स की जगह टू रेस टू एक्स लिखो बट टू रेस टू एक्स का वापस से डिफेंशिएशन मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा राइट सो ये बनेगा टू अपॉन वन प्लस फोर एस टू एक्स क्योंकि टू रेस्ट टू रेस टू एक्स का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं फोर रेस टू एक्स सो ये बनेगा टू अपॉन वन प्लस फोर टू एक्स और टू रेस टू एक्स का डिफेंशिएशन राइट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू अपॉन वन प्लस फोर एस टू एक्स एंड टू रेस टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन टू रेस टू एक्स इंटू लॉक टू बिकॉज ए रेस टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ए रेस टू एक्स लॉग ए तो ए e की जगह यहां पे टू है बस ठीक है अच्छा लॉक के ऊपर लॉक के अंदर अगर पावर होती है तो वो बाहर आ जाती है यानी कि अगर कोई बाहर नंबर पड़ा है तो उसको मैं पावर में भेज सकता हूं तो ये बनेगा टू रेस टू एक्स लॉग टू पावर टू अपॉन वन प्लस फोर एस टू एक्स टू पावर टू कितना हो जाएगा फोर यानी कि टू रेस टू एक्स लॉग फोर अपॉन वन प्लस फोर एस टू एक्स ओके मतलब ऑप्शन ऑप्शन सी इज करेक्ट ओके क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स इफ एफ वन इक्वल टू थ्री एंड एफडेस वन इक्वल टू टू देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ ई रेस टू एक्स 2 2x एट एक्स 0 इज हमें इसका डिफ्रेंसिएशन फाइंड करना है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे इन वैल्यू को यूज करके ठीक है तो किसका डिफ्रेंसिएशन करना डी ओ डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस टू एक्स ओके सो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है वन अपॉन एक्स राइट लेकिन यहां पे की e x की जगह है फंक्शन ऑफ e रेस टू एक्स प्लस टू एक्स तो इसको एक बार डमी एक्स कंसिडर करते हैं तो जब डमी एक्स कंसिडर करेंगे तो ये log x बनेगा और log x का होता है एक्स की जगह क्या है फंक्शन ऑफ e रेस टू एक्स प्लस टू एक्स राइट तो e इस पूरे फंक्शन का वापस से डिफ्रेंशिएशन एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा e रेस टू एक्स प्लस टू एक्स राइट ओके वन अपॉन एफ ऑफ रेस टू एक्स प्लस टू एक्स एजीज और एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है एफडेस एक्स यानी किस लेकिन एक्स की जगह e है तो e to x plus 2x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा right? Because, of d over dx of fx होता है एफडेक्स ओके okay? और यहां पर तो लॉग एक्स का किया है. ठीक है ये एज इट इज वन अपॉन एफ ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस टू एक्स इन टू ये एज इट इज एफ डैस ई रेस टू एक्स प्लस टू एक्स डॉट ई रेस टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई रेस टू एक्स एंड टू एक्स का टू ठीक है अभी हो गया डिफ्रेंशिएशन अच्छा हमें एक्स इक्वल टू जीरो पे इसका वैल्यू फाइंड करना था एट एक्स इक्वल टू जीरो तो अभी एक्स इक्वल टू जीरो इसमें पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा ठीक है कौन कौन सा जीरो होगा एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो गया ये जीरो हो गया ओके okay? और ई रेस्ट टू जीरो वन यानी कि ये वन वन प्लस जीरो इज वन यानी कि इधर बनेगा एफ वन ये जीरो हो गया तो इधर भी एफ डेस वन ओके इधर एफ वन इधर एफ डेस वन और इधर वन प्लस टू थ्री ओके वन अपॉन एफ एफ वन एफ डेस वन थ्री अगर अकॉर्डिंगली इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलागा वन अपॉन एफ वन वन अपॉन एफ वन इंटू एफ डेस वन इंटू थ्री राइट ओके एफ डेस वन का वैल्यू क्या है टू एंड एफ वन का वैल्यू थ्री यानी कि टू अपॉन थ्री इंटू थ्री ये थ्री एज इट इज थ्री से थ्री कैंसिल तो क्या आंसर आएगा टू यानी कि इस इसका डिफ्रेंशिएशन एट एक्स इक्वल टू जीरो इज टू यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट ओके ओके क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन फॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल फैमिली ऑपलाइंस दिस इज फैमिली ऑफ लाइन्स क्योंकि यहाँ पे m आर्बिटेरी कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है बट m को रिमूव करके ओके okay, एलिमिनेट करके ठीक तो है तो फैमिली ऑफ लाइन्स है एम इक्वल टू एम एक्स प्लस फोर अपॉन एम ओके यहाँ पे एक ही अनोन है इसलिए एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा मतलब जो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वो डी बाई डी के फॉर्म में आएगा ठीक है जितने अननोन होते हैं जितने आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है उतनी बारे में उसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है तो यहां पे सिर्फ एक ही है अच्छा ये दो जगह है लेकिन अननोन एक ही है मतलब सिर्फ एम ही अननोन है ओके सो फोर अपॉन एम कॉन्स्टेंट इसका तो डिफ्रेंसिएशन जीरो होगा y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा डीवाई बाई डी एक्स क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ओके और mx का होगा m, राइट right? इसको मैं इक्वेशन वन कंसिडर कर लेता हूं तो यहां से डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू आया m, ओके एम का वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं पुट वैल्यू ऑफ एम इन वन अगर वन में पुट करेंगे तो क्या बनेगा वाई इक्वल टू एम की जगह डीवाई बाई डी एक्स इन टू एक्स प्लस फोर अपॉन एम की जगह डिवाई बाई डी एक्स ठीक है अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और डीवाई बाई डी एक्स फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यानी कि यह बनेगा वाई इन डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर क्योंकि ये एक बार और मल्टीप्लाई होगा एक ऑलरेडी आगे ए प्लस फोर यानी कि कौन सा ऑप्शन अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करें मतलब सारे ए की साइड में तो ये एक्स डी वाई और डी एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई डीवाई बाई डी एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो इसको मैं राइट हैंड साइड भेजा बस ऑप्शन ऑप्शन बी इज करेक्ट ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर थर्टी एट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वाई इक्वल टू ए रेस टू बी एक्स इज ओके इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना देखो इसमें दो आर्बिटरी कांस्टेंट है देर आर टू आर्बिटरी कांस्टेंट इन दिस इक्वेशन ए एंड बी इसका मतलब इसका दो बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा यानी कि डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आंसर आएगा ओके डिफरेंशियल इक्वेशन जो आएगी वो डी टू वाई और डीएक्स स्क्वायर के फॉर्म में आएगी बट जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसमें ए एंड बी नहीं होने चाहिए ये कॉन्स्टेंट नहीं होने चाहिए ठीक है तो करते हैं इसको y इक्वल टू ए ई रेस टू बी एक्स ओके इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x क्या बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा ई रेस टू बी एक्स का क्या होता है ई रेस टू एक्स का होता है ई रेस टू एक्स लेकिन एक्स की जगह बी एक्स है तो बी एक्स का वापस से डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो बी एक्स का डायरेक्ट को बीएक्स का डिफ्रेंशिएशन बी ओके इनटू बी ठीक है सपोज दिस इज रिलेशन वन आई मीन इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू ठीक है अगर वन अपॉन टू करें हम वन अपॉन टू तो यह क्या ये क्या बनेगा वाई अपॉन डिवाइड बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगा एंड राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड से डिवाइड होगा ए रेस्ट टू बी एक्स अपॉन ए रेस टू बी एक्स इन टू बी ओके ऐसा इसलिए क्या हमने क्योंकि इस तरह से करने से यहां से ए कैंसिल हो जाएगा dy बाई डी एक्स से जो भी रिलेशन बनेगा उससे ए कैंसिल हो जाएगा ए से ए कैंसिल हो गया ई रेस टू बी एक्स से ई रेस टू बी एक्स भी कैंसिल हो गया तो इधर राइट हैंड साइड में बचा क्या वन अपॉन बी राइट यानी कि वाई अपॉन डीवाई बाई डी एक्स क्वल टू वन अपॉइन भी ओके ऐसे ही रखते हैं क्योंकि एक बार और करेंगे ना तो तो में ये अकेला रहेगा तो हो जाएगा। अगर इसको इधर कर दिया तो फिर B eliminate नहीं होगा, okay? B को eliminate करने के लिए इस अभी जो situation है इसको यहीं पे डिफ्रेंशियट कर देते हैं, अगेन okay? अगर डिफेंशिएशन करेंगे तो यूपॉइन भी लगेगा में, यानी कि डी वाई ओ डी एक्स होल स्क्वायर वी स्क्वायर वी एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू माइनस यू एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी इक्वल टू कितना जीरो राइट ये उधर चला जाएगा जीरो में अगर ये जीरो में चला जाएगा तो इधर बचेगा डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई डी टू वाई ओ डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो राइट सो कौन सा ऑप्शन इसमें मैच हो रहा है वाई डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर ऑप्शन ए इज करेक्ट ठीक है अगर दोनों को राइट हैंड साइड लेके जाओगे या माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्शन ए मैच हो जाएगा ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग वाई एक्सिस एट द ओरिजन इज यानी कि फैमिली ऑफ सर्कल का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है जो वाई एक्सिस को ओरिजन पे टच करते हैं ओके okay. सपोज ये कॉर्डिनेट uh, सिस्टम है जिसमें ये फैमिली ऑफ सर्कल्स है जो वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करते हैं ठीक है ऐसे बहुत सारे होंगे इधर भी होंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड भी ओके नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि जो सर्किल का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो अलग बनेगा तो उस बारे में हम लास्ट में बात करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद ठीक है अभी सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड बात करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आंसर फाइंड करते हैं ओके okay, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना तो डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले सर्किल का इक्वेशन होना चाहिए अगर सर्किल का इक्वेशन होगा तो इक्वेशन देके हम डिसाइड करेंगे कि इसमें आर्बिटरी कांस्टेंट कितने हैं मतलब कितनी बार इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है तो अकॉर्डिंगली डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी राइट तो पहले सर्किल का इक्वेशन फाइंड करते हैं फिर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे अच्छा सर्किल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें एक सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए सर्किल का लेकिन यहाँ पे फैमिली ऑफ सर्कल्स है मतलब सबका रेडियस और सेंटर अलग अलग है तो मुझे किसी अननोन के फॉर्म में इसका सेंटर कंसिडर करना पड़ेगा सपोज इस छोटे वाले सर्किल का सेंटर है ए कोमा जीरो देखो सेंटर वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है इसका मतलब इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री ऑफ सर्कल ठीक है अगर एक्स एक्सिस पे सेंटर नहीं है तो वो वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर ही नहीं सकता ओके okay? अच्छा अगर सेंटर एक्स एक्सिस पे इसका मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो यानी कि ए कोमा जीरो इसका सेंटर है अगर ए कोमा जीरो सेंटर है तो इसका मतलब रेडियस ए राइट ओके इन जनरल अगर सेंटर का सर्कल और सेंटर की रेडियस गिवन हो तो इक्वेशन क्या होता है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हैविंग सेंटर एक्स ऑन वाई वन एंड रेडियस आर इज एक्स माइनस एक्स ऑन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर राइट right? सो so, अपने केस में एक्स एंड वाई वन का वैल्यू कितना ए कोमा जीरो एंड आर कितना ए तो अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करेंगे तो इस केस में सर्कल का इक्वेशन आएगा एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ओके ब्रेकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ठीक है सर्कल का इक्वेशन तो आ गया लेकिन ब्रैकेट इसलिए ओपन किया क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा ठीक है यानी कि इसको अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म वापस एरिया अरेंज करके लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू ए एक्स ये सर्कल का इक्वेशन अभी इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है एक बार क्यों क्योंकि इसमें ए की आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है ए और डिफ्रेंशियल इक्वेशन में ये ए नहीं आना चाहिए ए को हटाना है तो ए को हटाने के लिए इसको वापस ए रिया कर रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू टू है ओके okay, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जब एक बार डिफेंशिएशन करेंगे तो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट सिर्फ कांस्टेंट रहेगा तो वो जीरो हो जाएगा राइट अच्छा यहाँ पे यू ओपन भी लगेगा लेफ्ट हैंड साइड में वी स्क्वायर वी एजट इज डिफेंशिएशन ऑफ यू ओके okay, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफेंशिएशन ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज एंड एक्स का डिफेंशिएशन वन इक्वल टू जीरो इनका तो जीरो होने वाला एक्स स्क्वायर भी जीरो में चला जाएगा और इस x को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मतलब ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई वाई डी वाई मतलब dy/dx डी एक्स राइट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो ओके टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर को पहले लिख रहा हूँ प्लस टू एक्स वाई डीवाई बाई डी एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो राइट यानी कि ऑप्शन ऑप्शन बी इज करेक्ट ओके देखो अगर हम नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड सर्किल बनाते फैमिली ऑफ सर्किल नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड भी करते में वो सारे सबका इक्वेशन यही है अभी हम इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड सर्किल बनाते तो सेंटर होता माइनस एकोमा जीरो रेडियस तो यही होती क्योंकि रेडियस क्या लेते माइनस एकोमा जीरो इसका सेंटर होता है माइनस एकोमा जीरो सेंटर होता है इसका मतलब यहां पे प्लस आ जाता यानी कि यहां पे प्लस होता इसका मतलब यहां पे माइनस यानी कि यहां पे माइनस तो आप देख रहे हो यहां पे प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि डिफेंशिएशन करने पे तो वो वैसे भी जीरो हो रहा है राइट तो हम यहां पे प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं मतलब सेंटर प्लस माइनस ले सकते हैं प्लस माइनस इधर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और वो वैसे भी जीरो हो रहा है यानी कि जितने भी फैमिली ऑफ सर्किल चाहे नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड हो वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करने वाले फैमिली ऑफ सर्किल का डिफरेंशियल इक्वेशन यही आएगा ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टी इफ सेक थीटा इक्वल टू एम एंड tan थीटा इक्वल टू एन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन ठीक है तो हम m की जगह sec तिटा पुट करते हैं एन की जगह tan थीटा पुट करते हैं देखते क्या बन रहा है वन अपॉन sec थीटा sec टीटा प्लस टेन थीटा प्लस वन अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा ओके अच्छा थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको ओके सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे वन की जगह सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीट्टा रख रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओके okay? वन अपॉन सेक थीटा इज इट इज सेक थीटा प्लस टेन थीट्टा प्लस सेक स्क्वायर थीट्टा माइनस टेन स्क्वायर थीट्टा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा ओके बिकॉज वन प्लस टेन स्क्वायर तिट्टा सेक स्क्वायर तिट्टा होता है यानी कि वन की जगह क्या पुट कर सकते हैं सेक स्क्वायर तिट्टा माइनस टेन स्क्वायर तिट्टा ओके ओके वन अपॉन सेक थीटा इज़ इट इज सेक थीटा प्लस टेन थीटा भी इज़ इट इज और ये ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा फॉर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि ये बनेगा सेक् थीटा माइनस टेन थीटा सेन थीटा अपॉन सेटा प्लस टेन थीटा ओके सेटा प्लस टेन थीटा से सेटा प्लस टेन थीटा चला जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो इधर क्या बनेगा इधर बनेगा बनेगा से भी गया ये और नीचे है तो क्या आंसर आएगा टू यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट ओके ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन वैल्यू ऑफ कॉस इन वर्ट कॉस सेवन फाइव बाई स ओके okay, हमें पता है इनवर्स टिकोनोमेट्रिक फंक्शन टिकोनोमैट्रिक फंक्शन से डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है लेकिन इस केस में ये कॉस इनवर्स कॉस से कैंसिल नहीं होगा क्योंकि अभी अगर इसको कैंसिल कर दिया तो इसका आंसर आएगा सेवन पाई बाई सिक्स जो कि कॉस इनवर्स के रेंज में नहीं है देखो बाहर यहां पर कॉस इनवर्स है यानी कि इस एक्सप्रेशन का जो भी वैल्यू आएगा वो जीरो से पाई बाई जीरो से पाई तक ही आना चाहिए क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो जीरो से पाई के बीच में होता है इंक्लूडिंग जीरो एंड पाई बट सेवन पाई बाई सिक्स जीरो टू पाई के बीच में नहीं है इसका मतलब इसको अभी डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो कॉस इनवर्स कॉस सेवन पाई बाई सिक्स को क्या लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस फाइव बाई सिक्स राइट इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सेवन पाई बाई सिक्स बनेगा यानी कि सेवन पाई बाई सिक्स को ऐसे लिख सकते हैं यानी कि कॉस इनवर्स ओके पाई प्लस पाई प्लस का मतलब क्या है थर्ड क्वार्टन थर्ड क्वार्टन में कॉस नेगेटिव होता है मतलब इसको लिख सकते हो माइनस कॉस पाई बाई सिक्स यस कॉस इनवर्स ओके माइनस कॉस पाई बाई सिक्स माइनस कॉस पाई बाई सिक्स को कैसे लिख सकते हैं देखो कॉस सेकंड क्वार्टन में भी नेगेटिव होता है तो कॉस माइनस कॉस सेवन पाई बाई सिक्स को लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाई सिक्स राइट कॉस पाई माइनस पाई बाई सिक्स भी माइनस कॉस पाई बाई सिक्स होता है एंड कॉस पाई प्लस पाई बाई सिक्स भी माइनस कॉस पाई बाई पाई बाई सिक्स होता है क्योंकि थर्ड एंड सेकंड दोनों को में कॉस नेगेटिव होता है सो माइनस कॉस पाई बाई सिक्स को कैसे लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस फाइव बाई सिक्स इज फाइव पाई बाई सिक्स ओके अब अगर मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल करूं इनवर्स को कॉस से तो फाइव फाइव बाई सिक्स आंसर आएगा फाइव पाई बाई सिक्स जीरो टू पाई के बीच में होता है इसका मतलब को, इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा फाइव पाई बाई करेक्ट। ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन कॉर्टिटा इक्वल टू रूट थ्री क्वारटा इक्वल टू रूट थ्री का प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करना प्रिंसिपल सोल्यूशन का मतलब होता है थीटा की वैल्यू जीरो से टू पाई के बीच में यानी कि जीरो से टू पाई के बीच में थीटा की वो कौन कौन सी वैल्यू है जिसपे कोर्थ थीटा रूट थ्री होगा तो देखो थीटा यहाँ पे पॉजिटिव है रूट थ्री पॉजिटिव है तो इसका मतलब कॉर् थीटा पॉजिटिव और थीटा कौन से कौन से क्वार में पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टन में राइट तो फर्स्ट क्वारन में कॉर्डिटा रूट थ्री होता है फाइव बाई सिक्स में एंड थर्ड क्वार में फाइव प्लस फाइव बाई सिक्स क्योंकि थर्ड क्वारन में जाने के लिए क्या करते हैं फाइव प्लस करते हैं तो थर्ड क्वारन में वैल्यू कितनी आ जाएगी सेवन फाइव बाई सिक्स राइट सपोज फर्स्ट क्वार्टन में अगर एंगल थीटा है तो सेकंड क्वार्टन में हम एंगल पाई माइनस थीटा से देते हैं थर्ड में पाई प्लस थीटा से और फोर्थ क्वार्टर में टू पाई माइनस थीटा से थर्ड क्वार्टन में जाने के लिए पाई प्लस थीटा थीटा कितना फर्स्ट क्वार्टन में पाई बाई सिक्स तो थर्ड क्वार्टन में कितना सेवन पाई बाई सिक्स यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट ओके ओके क्वेश्चन है द लाइन थ्री एक्स माइनस वाई प्लस फाई प्लस लेमड़ा टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो विल बी पेरल टू वाई एक्सिस इफ लेमडा इक्वल टू यानी कि इसमें लेमड़ा की कौन सी वैल्यू है जिस पे ये लाइन वाई एक्सिस के पैरल हो जाएगी ओके जितनी भी लाइन वाई एक्सिस के पैरल है उनका स्लोप नॉट डिफाइन होता।, मतलब होता है मतलब स्लोप इनफाइनाइट होता है राइट तो इसका स्लोप फाइंड करते हैं और फिर उसको इनफाइनाइट के इक्वल कर देते हैं मतलब नॉट डिफाइन कर देते हैं यानी कि जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा उसको जीरो के इक्वल करेंगे राइट तो पहले स्लोप फाइंड करने के लिए इसको थोड़ा तो� सिंप्लीफाई करते हैं थ्री एक्स माइनस वाई प्लस फाइव प्लस लेमड़ा टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो ओके ब्रेकिट ओपन करें लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा थ्री एक्स माइनस वाई प्लस वाई प्लस टू लेमडा एक्स माइनस थ्री लेमडा वाई माइनस फोर लेमडा इक्वल टू जीरो ओके एक्स काटम साथ साथ में तो ये बनेगा थ्री प्लस टू लेमडा एक्स माइनस वन माइनस थ्री लेमडा वाई माइनस वन माइनस थ्री लेमडा वाई प्लस फाइव माइनस फोर लेमड़ा प्लस फाइव माइनस फोर लेमड़ा इक्वल टू जीरो राइट ओके इसको वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ ठीक है तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाई का टम ओके यहाँ से माइनस कॉमन ले सकता हूँ तो माइनस कॉमन लिया तो वन माइनस थ्री वाई थ्री लेमडा वाई इक्वल टू ये राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का माइनस थ्री प्लस टू लेमड़ा एक्स और ये राइट हैंड साइड जाएंगे तो माइनस वाई प्लस फोर लेमड़ा ओके वाई इक्वल टू इस टर्म को दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं ओके पहले माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं वन माइनस थ्री लेमड़ा वाई इक्वल टू थ्री प्लस टू लेमड़ा एक्स प्लस फाइव माइनस फोर लेमड़ा ओके वाई इक्वल टू थ्री प्लस टू लेमड़ा अपॉन वन माइनस थ्री लेमड़ा एक्स प्लस फाइव माइनस फोर लेमडा अपॉन वन माइनस थ्री लेमडा राइट अगर इसको हम वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या है स्लोप है थ्री प्लस टू लेमडा अपॉन वन माइनस थ्री लेमडा थ्री प्लस टू लेमडा अपॉन वन माइनस थ्री लेमडा और अभी क्वेश्चन में ये है कि ये वो लाइन है जो वाई एक्सिस के पैरल है अगर वाई एक्सिस के पेरल है तो इसका स्लोप नॉट डिफाइन है यानी कि इनफाइनाइट है इनफाइनाइट का मतलब क्या जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो जीरो होना चाहिए तो वन माइनस थ्री लेमड़ा इक्वल टू जीरो यानी कि वन इक्वल टू थ्री लेमड़ा मीन्स लेमड़ा इक्वल टू वन बाई थ्री वन बाई थ्री ऑप्शन ए इज करेक्ट ओके वैसे ही अगर एक्स एक्स एक्सिस के पेरल क्वेश्चन आता कि ये लाइन एक्स एक्स एक्सिस के पैरल है तो फिर न्यूमरेटर जीरो करते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरल जो भी लाइन होती है उनका स्लोप जीरो होता है स्लोप जीरो कब होगा जब न्यूमरेटर जीरो हो गए यानी कि थ्री प्लस टू लेमरा इक्वल टू जीरो यानी कि माइनस थ्री पॉइंट टू तब माइनस थ्री पॉइंट टू आंसर होता अगर एक्स एक्सिस के पैरल होता ठीक है फोर्टी फोर द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इन द इंटरवेल जीरो टू फाइव पाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस इक्वेशन यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली एक्स की वैल्यूज कितनी होगी जीरो से फाइव पाई इंटरवल में ओके तो देखो इक्वेशन क्या है थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस सेवन साइन एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो ओके ये साइन में क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है तो इसको एक बार सोल्व करते हैं मतलब साइन का वैल्यू फाइंड करते हैं कि साइन का वैल्यू क्या फिर अकॉर्डिंगली इसको सोल्व करेंगे थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस ये अगर फैक्टर बनाएंगे इतना माइनस सिक्स माइनस वन right? राइट माइनस सिक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो थ्री साइन एक्स कॉमन तो साइन एक्स माइनस टू माइनस कॉमन तो साइन एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो ओके साइन एक्स माइनस टू अगेन कॉमन तो इधर बनेगा थ्री साइन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो इसका मतलब या तो साइन एक्स इक्वल टू टू है या फिर थ्री साइन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो साइन एक्स इक्वल टू वन बाई थ्री ओके साइन एक्स इक्वल टू टू तो पॉसिबल है नहीं इसका मतलब साइन एक्स इक्वल टू वन बाई थ्री ओके साइन एक्स इक्वल टू वन बाई थ्री ये कंक्लूजन मिला मतलब साइन एक्स इक्वल टू वन बाई थ्री जीरो से फाइव पाई में एक्स की कौन सी कौन सी वैल्यू के लिए होगा तो देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम में फर्स्ट एंड सेकंड क्वारन में साइन पॉजिटिव होता है देखो यहां पे साइन की वैल्यू पॉजिटिव आई इसका मतलब ये जो भी वैल्यू होगी वो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट से, से होगी ओके साइन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो जीरो से टू पाई में ये एक रोटेशन कंप्लीट हो गया टू पाई का तो जीरो टू टू पाई में साइन की दो वैल्यू आई क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्डन एक रोटेशन में एक एक बार आया मतलब वैल्यू कितनी आ गई दो वन एंड टू एक बार और रोटेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा फोर पाई फोर पाई में एक बार और फर्स्ट एंड सेकंड सेकेंड क्वार तो इसका मतलब फोर वैल्यू अभी जब फाइव पाई तक हमें कहां तक लेना फाइव पाई तक तो ये टू पाई फोर पाई एंड दिस इज फाइव पाई फाइव पाई होगा तो एक बार और फर्स्ट एंड सेकंड क्वार में वैल्यू मिलेगी यानी कि दो वैल्यू और मिले राइट और आप यहां से भी चेक कर सकते हो कि जब हमने फाइव पाई का रोटेशन लिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में तो टोटल तो नंबर ऑफ जो वैल्यूज मिलेगी वो एक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टोटल सिक्स वैल्यू यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट ओके ओके फोर्टी फाइव इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट टू माइनस वन थ्री एंड पेरल टू दिस लाइन इज यानी कि लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस पॉइंट से पास होती है और इस लाइन के पेरल है ओके सपोज okay? ये वो लाइन है जिसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये लाइन टू माइनस वन थ्री से पास हो रही है एंड एक और लाइन है जो इस लाइन के पेरल है उसका इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है सपोज लाइन है ओके लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए रहता है जिससे लाइन पास होती है तो पॉइंट तो क्वेश्चन में गिवन है एंड दूसरा एक पेरल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो तो पेरल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो हम इस लाइन के इक्वेशन से फाइंड करेंगे बिकॉज दोनों लाइन पेरल है तो इस लाइन का जो पेरल वेक्टर है वो इस लाइन के भी पेरल होगा यानी कि इस लाइन के पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो के इक्वल हो सकते हैं राइट तो पहले इस लाइन जो हमें इक्वेशन गिवन है उसको स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म होता है एक्स माइनस एक्स वन ओपॉइन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन ओ पॉइंट बी इक्वल टू जेड माइनस एड वन ओपॉइन सी जहाँ पे एबीसी क्या है पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो यानी कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट करने के बाद जो डिनोमिनेटर में आएगा वो इस वेक्टर के डायरेक्शन देखने टू एक्स माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू वन माइनस वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू जेड अपॉन थ्री राइट ओके यहां पे एक्स का कोफिशियंट वन है तो इधर वन करने के लिए टू कॉमन ले रहा हूं तो यह बनेगा एक्स माइनस वन बाई टू अपॉन टू इक्वल टू वाई का कोफिशियंट वन करने के लिए माइनस कॉमन लिया इधर एज इट इज ओके okay. यहाँ से टू से टू कैंसिल हो गया तो एक्स माइनस वन बाई टू अपॉन वन एक्स का वन हो गया इस माइनस को डिनोमिनेटर में भेज रहा हूँ ताकि यहाँ पे में वाई माइनस वन यानी कि वाई का वन हो जाएगा एंड जेड अपॉन थ्री राइट सो एबीसी क्या मिला यहाँ से एबीसी है वन माइनस वन एंड थ्री राइट वन माइनस वन एंड थ्री ओके okay, तो इसके अकॉर्डिंग लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन ये अपने पास होगा एक्स माइनस एक्स वन पॉइंट क्या है ये अभी एक्स y1 वाई वन है एक्स वन वाई वन जेड वन हमें बस ये पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशू फाइंड करने थे वो हो गए वन माइनस वन थ्री और एक्स वन वाई वन जेड वन क्या टू माइनस वन थ्री तो अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स माइनस टू वाई प्लस वन एंड जेड माइनस थ्री यहाँ से और डिनोमिनेटर में क्या आएगा वन माइनस वन एंड थ्री ठीक है कौन सा ऑप्शन एक्स माइनस टू वाई प्लस वन जेड माइनस थ्री एंड डिनोमिनेटर में वन वन थ्री ऑप्शन सी इज करेक्ट ओके ओके क्वेश्चन है इन ट्राइंगल एबीसी गिवन बी इक्वल टू टू रूट थ्री सी इक्वल टू थ्री रूट टू कैपिटल सी इक्वल टू 60 डिग्री देन आइडेंटिफाई करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ओके हमें ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है यहाँ पे एंगल सी 60 डिग्री है इसका मतलब ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन तो हो नहीं सकते क्योंकि इसमें 150, 135 डिग्री भी मेंशन कर रखा है तो अगर आप इनको ऐड करोगे सी एंड बी को तो ये 180 से भी बाहर जा रहा है जबकि सम ऑफ एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री इसका मतलब डायरेक्ट हम ए एंड बी को एलिमिनेट कर सकते हैं तो सी के लिए चेक करते हैं कि वन ट्राइंगल पॉसिबल एंड एंगल भी इक्वल टू फोर्टी है कि नहीं ठीक है साइन रूल से ओके यहाँ पे बी सी की बात हो रही है तो सिपुनी की बात करते हैं साइन रूल है क्या एक्चुअल में ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी ठीक है तो यहां पे बी सी है तो मैं सिर्फ लास्ट के दो टर्म ले रहा हूं यानी कि बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी ओके स्मॉल बी कितना टू रूट थ्री बी का वैल्यू हमें फाइंड करना है तो साइन बी एज इज इक्वल टू सी है थ्री रूट टू अपॉन साइन सी कितना सी जगह सिक्सटी डिग्री राइट ओके okay, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो बी इधर जाएगा साइन सिक्सटी इधर आएगा साइन सिक्सटी होता है रूट थ्री बाई टू तो रूट थ्री बाई टू लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा रूट थ्री बाई टू यहां पे न्यूमरेटर में है टू रूट थ्री ये इधर डिनोमिनेटर में आएगा तो थ्री रूट टू और साइन बी राइट हैंड साइड जाएगा तो न्यूमरेटर राइट ये कुछ इस तरह का बना ओके कौन कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है टू से टू कैंसिल हो गया रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री और वो इस थ्री से कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर वाले से राइट तो साइन बी इक्वल टू वन बाई रूट टू यानी कि बी इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री बी इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री राइट यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट अच्छा ओनली वन ट्राइंगल इज पॉसिबल ये कैसे पता चला देखो सी इक्वल टू सिक्सटी डिग्री है बी इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री है तो यहां से ए इक्वल टू एक यूनिक वैल्यू आएगी राइट right? ए की दो वैल्यू नहीं आ सकती है जिसके लिए यहाँ पे दो ट्राइंगल बन जाएगी क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज वन डिग्री अगर बी फोर्टी है सी सिक्सटी डिग्री है तो ये बनेगा वन ट्वेंटी माई सेवनटी फाइव सेवनटी फाइव डिग्री ए की ए की वैल्यू है मतलब अगर किसी ट्राइंगल में एंगल का यूनिक कॉम्बिनेशन है तो वहां पे सिर्फ एक ही ट्राइंगल पॉसिबल है ओके सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन फॉलोइंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई सब्जेक्ट टू कंस्टेंट कंस्टेंट, इज ऑपटेक्विलिटीज को सेटिस कौन सी वैल्यू है सपोज एक्स प्लस वाई जेड है तो हमें एक्स एंड वाई की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसपे जेड मैक्म है और वो एक्स एंड वाई की वैल्यू इन इन इक्विलिटीज को भी सेटिस्फाई करना चाहिए यानी कि एक्स एंड वाई की वैल्यू इनके कॉमन सोल्यूशन रीजन से होनी चाहिए अच्छा हमें पता है

सेकेंड स्टेप में जीरो जीरो चेक करते हैं कि वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो सोल्यूशन रीजन इसका जीरो जीरो साइड अगर नहीं हो रहा तो उसके अपोजिट साइड ओके तो हम कौन सी लाइन ड्रो करेंगे जहां पे भी इन का साइन है वहां पे इक्वल टू का साइन कर तो. okay, दो ओके दो पॉइंट चाहिए लाइन ड्रो करने के लिए एक्स जीरो तो वाई ट्वेंटी वाई जीरो तो एक्स फिफ्टी यानी कि फिफ्टी जीरो जीरो ट्वेंटी सपोज दिस इज जीरो ट्वेंटी एंड यार इट इज फिफ्टी जीरो ये लाइन रहोगे बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन फिफ्टी जीरो जीरो ट्वेंटी ओके सेकेंड स्टेप में जीरो जीरो चेक करना है इन इक्वलिटी में कि सेटिसफाई हो रहा है कि नहीं जीरो 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 इज लेसन और इक्वल टू हंड्रेड येस पॉइंट सेटिस्फाई हो गया इसका मतलब इसका सोल्यूशन रीजन वो साइड है जिस जी साइड जीरो जीरो है इधर जीरो जीरो है तो सोल्यूशन रीजन ये वाला होगा ओके okay? ओके okay. अभी बात करते हैं सेकेंड लीनियर इनिक्वली ठीक है सेकेंड क्या है एक्स अपॉन ट्वेंटी फाइव प्लस वाई अपॉन ओके यहाँ पे ये फोर्टी नाइन है एक्चुअल में ये फोर्टी नाइन नहीं है ये फोर्टी है यहाँ पे ठीक है थोड़ा करेक्शन करना क्वेश्चन में वाई अपॉन फोर्टी लेस एन और इक्वल टू वन अगेन तीन स्टेप फॉलो करते हैं ओके okay, यहां पे ये दो स्टेप तो ये है थर्ड स्टेप ये होता है कि अगर जीरो जीरो सेटिस्फाई होता है तो सोल्यूशन रीजन जीरो जीरो साइड अगर नहीं होता है तो उसके अपोजिट साइड मतलब लिखने लायक कुछ नहीं है फर्स्ट स्टेप में हम लाइन ड्रो करेंगे एक्स अपॉन ट्वेंटी फाइव प्लस वाई ओपन फोर्टी इक्वल टू वन का लाइन ओके okay, दो पॉइंट चाहिए अगर एक्स जीरो तो वाई फोर्टी वाई जीरो तो एक्स ट्वेंटी फाइव राइट सपोज ये फोर्टी ये ट्वेंटी फाइव तो लाइन कुछ इस टाइप की बनेगी ओके दिस इज ट्वेंटी फाइव जीरो एंड हेयर इट इज जीरो फोर्टी ओके कौन सी लाइन है ये एक्स अपॉन ये सेकेंड लाइन दिस इज सेकेंड एंड दिस इज फर्स्ट ओके सेकेंड स्टेप में हम चेक करते हैं कि जीरो जीरो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक्स की जगह जीरो वाई की जगह जीरो जीरो इज लेस देन वन लेस देन और इक्वल टू वन यस वन सेटिस्फाई हो गया इसका मतलब इसका सोल्यूशन रीजन ये साइड वाला जिस साइड जीरो जीरो है इस साइड जीरो जीरो है इसलिए ये सोल्यूशन रीजन अदरवाइज वो वाला होता ठीक है इन दोनों का तो हो गया देखो इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन रीजन कौन सा है ये ये और इसके इधर पूरा पोर्शन सबका सब, सब। ठीक है पर लास्ट में ये दिख रहा है आपको एक्स कॉमो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू तो जीरो इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वार यानी कि एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव तो अगर इन सब का कॉमन सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है तो इन दो लीनियर इनिक्वलिटी का जो भी कॉमन सोल्यूशन रीजन है वो फाइनली फर्स्ट क्वारन में ही होना चाहिए यानी कि दिस इज द कॉमन सोल्यूशन ऑफ ऑल गिवन इनक्वलिटीज ओके मिल गया कॉमन सोल्यूशन डिजन तो अभी हमें यह चेक करना पड़ेगा ना कि यह कॉर्नर पॉइंट कौन सा है क्योंकि हमें पता कॉर्नर पॉइंटिममिम वैल्यू होती है तो ये पॉइंट पता है जीरो ट्वेंटी है ये पॉइंट भी पता है जीरो जीरो है ये ट्वेंटी फाइव जीरो है अभी ये पॉइंट नहीं पता तो ये पॉइंट एक्चुअल में है क्या इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ठीक है फाइंड करते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओके लाइन है टू फाइव हंड्रेड टू एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू हंड्रेड एंड एक्स अपॉन ट्वेंटी फाइव प्लस वाई अपॉन फोर्टी इक्वल टू वन राइट ओके मैं इसको फिफ्टी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि एक्स का कॉपिशंट सेम हो जाएगा फिफ्टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स प्लस फिफ्टी वाई अपॉन फोर्टी यानी कि फाइव अपॉन फोर वाई इक्वल टू फिफ्टी ओके ये क्वेश्चन कौन सी टू एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू हंड्रेड इसको वापस से लिखा ताकि हम यहाँ से इसको सब्ट्रेक करके एक्स के टर्म को कैंसिल कर सकें ये बनेगा फाइव अपॉन फोर माइनस फाइव इंटू वाई इक्वल टू फिफ्टी माइनस हंड्रेड राइट फिफ्टी माइनस हंड्रेड कितना फिफ्टी ओके राइट एंड साइड फिफ्टी और ये इधर क्या बन रहा है इधर बनेगा ट्वेंटी फाइव यानी कि माइनस फिफ्टीन अपॉन फोर ओके ये माइनस फिफ्टी होगा नॉट फिफ्टी माइनस फिफ्टी ठीक है ओके okay, फाइव से कैंसिल हो सकता है ये थ्री टाइम्स ये टेन टाइम्स ओके okay, तो ये इधर माइनस टेन और इधर माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया तो वाई इक्वल टू कितना फोर्टी अपॉन थ्री वाई का वैल्यू फोर्टी अपॉन थ्री अगर ये वाई का वैल्यू यहां पे किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो एक्स का वैल्यू यहां से आएगा फिफ्टी अपॉन थ्री यानी कि पॉइंट क्या फिफ्टी फिफ्टी अपॉन थ्री फोर्टी अपॉन थ्री पॉइंट मिलेगा फिफ्टी अपॉन थ्री फोर्टी अपॉन थ्री ओके अभी हमें किसको मैक्सिमाइज करना है z को यानी कि x प्लस वाई को मैक्सिमाइज करना है तो एक्स एंड वाई के जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स है उस पर जेड को चेक करो अपने पास जेड है एक्स प्लस वाई एंड पॉइंट्स है जीरो जीरो ट्वेंटी फाइव जीरो जीरो ट्वेंटी एंड फिफ्टी अपॉन थ्री कॉमा फोर्टी अपॉन थ्री सब पे चेक करते हैं कि जेड क्या आ रहा है मतलब एक्स प्लस वाई करना यानी कि कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी दिस इज फिफ्टी प्लस नाइनटी अपॉन थ्री इज थर्टी तो मैक्सिमम किस पे आ रहा है इस पॉइंट पे और कितनी है 30 थर्टी तो हमें तो पॉइंट पूछा है पॉइंट कौन सा होगा फिफ्टी अपॉन थ्री कौन फोर्टी अपॉन थ्री यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट ओके ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट इज द नगेशन ऑफ द स्टेटमेंट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इवन नंबर ओके दिस इज क्वानीफायर स्टेटमेंट जिसमें यूनिवर्सल क्वांटिफायर है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर ओके और दिस इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ओके तो जब यूनिवर्सल क्वांटिफायर का नगेशन करते हैं ओके okay, जब भी, भी ये क्वांटिफायर आएंगे तो किसी स्टेटमेंट के साथ आएंगे ना? है ना सपोज वो पी स्टेटमेंट है यूनिवर्सल क्वांटिफायर के साथ पी स्टेटमेंट है अगर इसका नगेशन करेंगे तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टेटमेंट का नगेशन हो जाएगा ठीक है और सेम चीज अगर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर किसी स्टेटमेंट के साथ है और उसका नगेशन करते हैं तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूनिवर्सल क्वांटिफायर में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टेटमेंट नगेट हो जाएगा राइट तो उसके अकॉर्डिंग अगर इसका हम आ, नगेशन करेंगे तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन का क्या हो जाएगा देर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एन कोमा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इवन नंबर ये पी स्टेटमेंट दिस इज पी और इसका नगेशन करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज नॉट एन ईवन नंबर ओके इसके अकॉर्डिंग क्या तो ये कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है नॉट इंबर यस ऑप्शन बी इज करेक्ट ओके ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन द फूट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम वन कोमा टू ऑन द लाइन दिस लाइन इज यानी कि इस लाइन पे वन कॉमा टू से अगर परपेंडिकुलर डालें तो फूट ऑफ परपेंडिकुलर के कॉर्डिनेट क्या होंगे ओके सपोज दिस इज द पॉइंट वन कामा टू मान लेते ये ए है और ये वो लाइन है जिसका इक्वेशन हमें गिवन है सपोज लाइन एल एक्स माइनस थ्री वाई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो ओके अगर ए पॉइंट से इस एल लाइन परपेंडिकुलर डालेंगे तो इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है सपोज दिस इज बी बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है okay. ओके तो इसको करने के दो तरीके एक तो हम बी के कोऑर्डिनेट को एक्स वन वाई वन कंसिडर करें और फिर दो वेरिएबल में इसको सोल्व करें या फिर दूसरा और ईजी मैथड है कि इसको एक ही वेरिएबल में सोल्व करते हैं मतलब बी के कोऑर्डिनेट को एक ही वेरिएबल में कंसिडर करते हैं सपोज एक्स कोऑर्डिनेट इसका लेमड़ा है तो वाई कोऑर्डिनेट लेमड़ा के फॉर्म में क्या होगा देखो ये बी कोऑर्डिनेट मतलब बी पॉइंट इस लाइन के ऊपर है तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए अगर एक्स लेमड़ा है तो यहां से हम वाई का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक्स अगर लेमड़ा है तो यहां से वाई कितना आएगा थ्री वाई इक्वल टू लेमड़ा प्लस सेवन वाई इक्वल टू लेमड़ा प्लस सेवन थ्री यानी कि एक्स अगर लेमड़ा है तो वाई लेमड़ा प्लस सेवन अपॉइंट थ्री लेमडा प्लस सेवन थ्री ये बी के कोऑर्डिनेट है बस हमें लेमड़ा की वैल्यू फाइंड करनी है अगर लेमड़ा की वैल्यू मिल जाएगी तो बी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा ओके लेमड़ा की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहां पे कुछ अपना प्रीवियस नॉलेज काम आएगा देखो ये परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप मिल जाएगा क्योंकि ए के कॉर्डिनेट है बी के कॉर्डिनेट है तो इसका स्लोप मिल जाएगा वाई टू माइनस वाई वन ओ एक्स टू माइनस सिक्स वन से लाइन का स्लोप हम डायरेक्ट वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके फाइंड कर सकते हैं यानी कि इन दोनों का स्लोप मिल गया और ये दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन माइनस वन के इक्वल होना चाहिए तो वहां से लेमड़ा की वैल्यू आ जाएगी ठीक है देखो कैसे करें स्लोप ऑफ ओके स्लोप जो स्लोप ऑफ ए बी ए बी के स्लोप को मैं एम वन कंसिडर कर रहा हूं एबी के स्लोप वो क्या होगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि लेमड़ा प्लस सेवन अपॉन थ्री माइनस टू अपॉन लेमड़ा माइनस वन ठीक है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं यह थ्री इधर मल्टीप्लाई होगा तो सिक्स बनेगा ये बनेगा लेमड़ा प्लस सेवन माइनस सिक्स यानी कि लेमड़ा प्लस वन अपॉन थ्री लेमडा माइनस वन ओके अभी बात करते हैं स्लोप ऑफ लाइन एल जिसको मैं एम टू कंसिडर कर रहा हूं ओके किसी अगर जनरल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन गिवन है तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं माइनस एक्स का कोफिशियंट अपॉन वाई का कोफिशियंट यानी कि वन बाई थ्री ओके अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन माइनस वन इक्वल होता है ये दोनों परपेंडिकुलर है इसका मतलब दिस दिस इंटू इक्वल टू माइनस वन इसका मतलब एम वन इंटू एम टू इक्वल टू माइनस वन यानी कि लेमडा प्लस वन अपॉन थ्री लेमडा माइनस वन इंटू वन बाई थ्री शुड बी इक्वल टू माइनस वन राइट थ्री इंटू थ्री राइट हैंड साइड जाएगा तो नाइन बन जाएगा यानी कि ओके लेमड़ा माइनस वन को भी राइट हैंड साइड भेजते हैं तो ये बनेगा लेमड़ा प्लस वन इक्वल टू माइनस नाइन लेमड़ा माइनस वन यानी कि लेमड़ा प्लस वन इक्वल टू माइनस नाइन लेमड़ा प्लस नाइन नाइन लेमड़ा इधर आएगा कांस्टेंट राइट हैंड साइड लेमड़ा कटम लेफ्ट हैंड साइड तो ये टेन लेमड़ा इक्वल टू एट यानी कि लेमड़ा इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव बस हम लेमड़ा के ही पीछे पड़े थे लेमडा का वैल्यू कितना है फोर पॉइंट फाइव यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट फोर पॉइंट फाइव तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा लेमड़ा प्लस सेवन अपॉन थ्री या फिर डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं ओके यहां पे भी सोल्व कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं तो ये होगा वाई कोऑर्डिनेट कितना लेमड़ा प्लस सेवन थ्री यानी कि फाइव प्लस फोर थर्टी नाइन अपॉन फिफ्टीन थर्टी नाइन अपॉन फिफ्टीन या फिर थ्री से अगर इसको डिवाइड करें तो थर्टीन अपॉन फाइव कोऑर्डिनेट क्या आएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट ओके ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू पॉइंट ऑन द लाइन दिस लाइन ऑन इधर साइड ऑफ द पॉइंट टू माइनस थ्री माइनस फाइव एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ थ्री यूनिट्स फ्रॉम इट आर यानी कि इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट के दोनों साइड थ्री यूनिट डिस्टेंस पे कौन से पॉइंट हैं, ओके देखो क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या सपोज ये वो लाइन है जिसका इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है टू माइनस थ्री माइनस वाई, ओके अभी इस पॉइंट के दोनों साइड यानी कि इस साइड एंड इस साइड थ्री यूनिट डिस्टेंस पे कौन कौन से पॉइंट है हमें ये फाइंड करना ओके okay? सपोज ये थ्री यूनिट डिस्टेंस है इधर भी थ्री यूनिट डिस्टेंस है तो अभी ये सारे ये दोनों पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं ठीक है थीके? तो एक बात तो क्लियर है कि जो भी अपना आंसर आने वाला है वो इस लाइन के ऊपर के पॉइंट है यानी कि इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो आप डायरेक्ट ऑप्शन चेक करके भी आंसर कर सकते हो इसमें सिर्फ ऑप्शन बी मैच होगा बाकी सारे ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे इसका मतलब ऑप्शन भी करेक्ट है बट अगर दो ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं मतलब दो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो फिर इसको सोल्व करना पड़ेगा ठीक है सोल्व कैसे करें देखो लाइन का इक्वेशन है एक्स माइनस टू अपॉइंट वन इक्वल टू वाई प्लस थ्री अपॉइन माइनस टू इक्वल टू जेड प्लस फाइव अपॉइन्ट टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस सपोज इक्वल टू कितना लेमड़ा ठीक है ये तीनों आपस में इक्वल है तो किसके इक्वल है मान लेते वो लेमड़ा के इक्वल है ठीक है यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा? अगर मैं फर्स्ट इसको एंड लास्ट लेमड़ा को और x माइनस टू फॉन वन को सोल्व करूंगा तो ये बनेगा x इक्वल टू वन इंटू लेमडा प्लस टू यानी कि लेमडा प्लस टू राइट y इक्वल टू होगा माइनस टू इंटू लेमडा माइनस थ्री यानी कि माइनस टू लेमडा माइनस थ्री जेड इक्वल टू टू लेमडा माइनस वाई टू लेमड़ा माइनस वाई ओके यानी कि इस लाइन के ऊपर हमें एक्स वाई जेड

अच्छा ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए मतलब पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट मिल गए लेमड़ा के फॉर्म में ठीक है तो x कोमा वाई कोमा जेड लेमड़ा प्लस टू माइनस लेमड़ा माइनस थ्री टू लेमड़ा माइनस फाइव ओके तो इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस क्योंकि जो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि P की इस पॉइंट से डिस्टेंस सपोज O पी की ओ से डिस्टेंस कितनी है थ्री ओके है. Okay? सिर्फ एक के साथ पहले सोल्व करते हैं फिर दूसरे की बात करेंगे पी की O से डिस्टेंस कितनी है पी ओ इक्वल टू थ्री ओके और इन जनरल दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स सपोज वो पॉइंट्स है एक्स वन वाई वन जेड वन एंड एक्स टू z2 टू तो डी इक्वल टू होता है अंडर रूट नॉट मॉड क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है तो यहां पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे इसलिए मोड लगाने की जरूरत नहीं है ओके एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर जेड टू माइनस जेड वन होल राइट तो यहां पे एक्स वन वाई वन जेड क्या है uh, okay? इनमें से किसी को भी एक्स वन वाई वन जेड वन एंड एक्स टू वाई टू जेड टू कंसिडर कर सकते हो मैं इसको एक्स वन वाई वन जेड वन इसको एक्स टू वाई टू जेड टू कंसिडर कर रहा हूं और यहां पे डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी थ्री राइट right? तो so, अकॉर्डिंगली अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा लेमड़ा प्लस टू माइनस टू थ्री इक्वल टू अंडर रूट लेमड़ा प्लस टू माइनस टू होल स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर क्या होगा माइनस टू लेमडा माइनस थ्री प्लस थ्री ओके माइनस टू लेमड़ा माइनस थ्री प्लस थ्री टू माइनस थ्री प्लस वाई होल स्क्वायर ओके गुड दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो इधर रूट हट जाएगा और इधर नाइन बनेगा ओके okay? और ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा फाइव से फाइव कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचेगा लेमड़ा स्क्वायर प्लस फोर लेमड़ा स्क्वायर प्लस फोर लेमड़ा स्क्वायर ओके फोर प्लस फोर प्लस फोर कितना होता है फोर प्लस फोर प्लस वन नाइन लेमड़ा स्क्वायर यानी कि लेमड़ा स्क्वायर इक्वल टू वन यानी कि लेमड़ा इक्वल टू प्लस माइनस वन देखो यहाँ पे लेमड़ा की वैल्यू ऑटोमेटिकली प्लस माइनस वन लेमड़ा की वैल्यू दो वैल्यू आ गई है राइट लेमड़ा की यहाँ पे दो वैल्यू आई है प्लस वन एंड माइनस वन सो ये ऑटोमेटिकली आई है मतलब मैथमेटिक्स की ब्यूटी देखो आप मैथमेटिक्स को पता है कि इस पॉइंट से थ्री यूनिट डिस्टेंस पे दो पॉइंट मिलेंगे तो एक लेमड़ा इक्वल टू प्लस वन पुट करने पे आएगा जो कि पी होगा लेमड़ा इक्वल टू माइनस वन पुट करने पे क्यू आएगा ठीक है तो हमें हम सिर्फ ओपीक्वल टू थ्री क्या मतलब इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट से थ्री यूनिट डिस्टेंस के पॉइंट तो वो ओपी लो चाहिए ओ क्यू लो अभी ओ क्यू का अलग से बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए भी सेम है ओके तो लेमड़ा इक्वल टू वन के लिए अगर लेमडा टू वन पुट करेंगे यहां पे तो एक्सकोमा वाई कोमा जेट क्या आएगा वन प्लस टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड सपोज ये पी के कोऑर्डिनेट है और वो क्या आ रहा है अपने पास लेमड़ा प्लस टू लेमड़ा इक्वल टू वन के लिए uh, ये आएगा अपने पास वन प्लस टू एंड इधर वन पुट करेंगे तो माइनस टू माइनस थ्री यानी कि माइनस फाइव इधर वन पुट करेंगे तो टू माइनस थ्री यानी कि माइनस थ्री एंड क्यू के कॉर्डिनेट एक्स कोमा वाई कॉमा जेड क्या आएंगे वो आएगा अपने पास माइनस वन पुट करने पे माइनस वन पुट करूंगा तो टू माइनस वन इधर माइनस वन पुट करूंगा माइनस थ्री प्लस टू इधर माइनस वन पुट करूंगा तो माइनस सेवन ओके कहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे इस जगह पर तो ये सब कहाँ पे दिख रहा है मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है रूट के अंदर ओके okay, अच्छा तो ऑप्शन कौन सा होगा थ्री माइनस बाई माइनस थ्री वन माइनस वन माइनस सेवन सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ठीक है ओके